Disclaimer, this film is a work of fiction, although inspired from real-life incidents. Names, characters, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual person, living or dead, or actual events is purely coincidental. Smoking causes cancer. Smoking kills. Consumption of alcohol is injurious to health. Nandu, hospital ke samne khade hoke fufu kar raha hai? Bibi bimar hai andar hai. Kya hua bhabhi ko? Wahi auraton wali bimari. Auraton wali bimari. खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। किस्मत हमें फिर साथ ले आए। अब तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। दुर्भाग्य, सब उसे ढूंढ रहे हैं। उन दोनों को तो मैं ही पकड़ूंगा। के बीच का फर्क बताना बहुत मुश्किल है। क्या वो उनमें से एक है? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जिस दिन उसके राज बाहर आएंगे, वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा। इस मिशन में तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हम दोनों ही दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लोगों का खात्मा करते आए हैं। साची लॉक, जिंदा या मुर्दा। टाइगर 3 में बॉडी डबल का इस्तेमाल करेंगी कैटरीना कैफ। क्या SRK करेंगे न्यू हेयर स्टाइल? क्यों भड़के रॉ के चीफ? दोस्तों, टाइगर और टाइगर फ्रेंचाइजी में रॉ और ISI एजेंट्स के बारे में दिखाया गया है। ये काफी सिनेमैटिक तरीके से दिखाया जाता है, पर असल में जो लोग रॉ में काम कर रहे होते हैं ना, वो इसे अलग नजरिए से देखते हैं। रॉ के एक्स चीफ विक्रम सूद से जब स्पाई थ्रिलर के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड में आजकल काफी स्पाई थ्रिलर फिल्में बन रही है, जिसमें बेबी, टाइगर फ्रेंचाइजी, पठान शामिल है। सिनेमैटिक लेवल पर फिल्में अच्छी है, पर ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी में कोई भी एजेंट इस तरह का काम नहीं करता है, इसलिए मेकर्स को हमेशा रियलिटी पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसके मिशन काफ़ी अलग होते हैं। रियलिटी को रियलिटी की तरह ही दिखाना चाहिए, और ये ज़रूरी भी होता है। वैसे उनकी नज़र में उनकी बातें सही है, पर बॉलीवुड फिल्में में छेड़छाड़ तो होती ही रहती है। अब देखते हैं कि टाइगर 3 में क्या क्या होता है और टाइगर 3 क्या काम करती है। टाइगर 3 में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ भी जोरदार तैयारी कर रही है। वो शुरुआत से ही टाइगर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ी हुई है, और इसके पीछे कैटरीना का डेडिकेशन है। दोस्तों, डांस के मामले में हो या फिर एक्शन के, कैटरीना सलमान से भी आगे रह चुकी है। कैटरीना कैफ के कैरेक्टर के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसीलिए प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने खास एक कोरियन ट्रेनर को अपॉइंट किया था, जिनके साथ 2 हफ्तों तक कैटरीना ने ट्रेनिंग ली थी। इस दौरान कैटरीना ने बॉक्सिंग और पंचिंग की प्रैक्टिस की, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैटरीना बॉडी डबल का इस्तेमाल करेंगी, बल्कि सारे स्टंट्स वो खुद परफॉर्म करेंगी, जैसा उन्होंने आदित्य से कहा भी है। सलमान भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनकी ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका के ट्रेनर्स को हायर किया गया है। दोस्तों, झूमे जो पठान गाने में सब लोग पठान के साथ झूम रहे थे, और गाने के स्टेप्स भी सबका ध्यान खींच रहे थे, पर इसमें पठान के लंबे बाल और उनका आइकॉनिक स्टाइल भी भाव खा रहा था। वैसे पठान यानी कि शाहरुख खान टाइगर 3 में कैमियो करने वाले हैं, इसलिए उन्हें अपने लुक को लेकर थोड़ी सी तैयारी करनी है। SRK पठान के लुक को रिक्रिएट करने के लिए अपने बालों पर ध्यान दे रहे हैं और बाल बढ़ा रहे हैं। जब शाहरुख को उनकी वाइफ गौरी खान के साथ उनके बुक लॉन्च इवेंट के वक्त देखा गया, तब शाहरुख खान का हेयर स्टाइल नॉर्मल था, पर वो बालों पर खास काम कर रहे हैं। साथ ही सलमान और उनके एक्शन सीक्वेंस पर भी फोकस कर रहे हैं, जो 8 मई को शुरू होने वाला था।
वैसे इन दोनों के एक्शन सीक्वेंसेस के लिए एक बढ़िया सा जेल भी बनाया गया है जिस पर आदित्य चोपड़ा ने बहुत पैसे खर्च किए हैं। हो सकता है कि टाइगर और पठान के सामने फिल्म के विलन यानी कि इमरान हाशमी भी फेस ऑफ के लिए खड़े हो जाए। तो दोस्तों आप टाइगर 3 के लिए और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है देखना चाहते थे और सलमान खान के बहुत बड़े फैन है तो आपके लिए शायद ये एक बैड न्यूज हो सकती है। खबरें हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये फिल्म ईद पर ना आकर अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी और इसकी अनाउंसमेंट की है खुद सलमान खान ने सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा टाइगर 3 की नई तारीख दिवाली 2023। YRF50 के साथ टाइगर 3 को सेलिब्रेट करें अपने नजदीकी सिनेमाघरों में हिंदी तमिल और तेलुगु में। उस फोटो की बात करें तो प्रॉपर देखकर कहा जा सकता है कि ये टाइगर 3 वाला लुक है। सलमान खान के वही हाथ में जो हमने देखा है एक था टाइगर में या टाइगर जिंदा में जो वो साफा पहने रहते हैं वही साफा यहाँ भी नजर आ रहा है लेकिन आंखों में यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा है। हो सकता है कि किसी एक्शन वाले सीन का हो लेकिन जो भी हो लुक बहुत ही जबरदस्त है और फैंस के लिए हालांकि ये ट्रीट है लेकिन दिवाली पर फिल्म रिलीज होगी उसके लिए फैंस थोड़े बहुत नाराज या अपसेट जरूर हुए होंगे। पहले टाइगर 3 के मेकर्स इसे ईद के मौके पर यानी कि 21 अप्रैल 2023 को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे थे हालांकि कुछ रीजंस की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया इसकी वजह से फैंस काफी निराश हैं। एक फैन ने ट्वीट कर लिखा कि मास लेकिन काफी लेट है। वहीं एक और यूजर उसने लिखा कि ज्यादा लेट हो गया है शायद। हालांकि सलमान खान के कई ऐसे भी फैंस हैं जो फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जहां एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि हम इसी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कुछ यूजर्स ने इतना तक कह दिया कि आप कम से कम फिल्म का टीजर रिलीज कर दीजिए ये गुजारिश है। हालांकि हमें सलमान खान के फिल्म का टीजर देखने को मिलने वाला है वो भी इस दिवाली लेकिन फिल्म टाइगर 3 से नहीं बल्कि किसी का भाई किसी की जान से। हालांकि उनके सबसे करीबी दोस्त शाहरुख खान भी अपनी फिल्म पठान का टीजर लेकर आने वाले हैं जो बहुत ही धमाकेदार है और कहा जा रहा है कि ये टीजर ऐसा है जो इंडिया में एक बेंच मार्क सेट करेगा। अब तक ऐसा कभी नहीं देखा गया। ये बाहुबली KGF चैप्टर 2 और RRR का बाप होने वाला है ऐसा है फिल्म का टीजर। लेकिन टीजर की क्या रियलिटी है ये तो जब टीजर रिलीज होगी तभी पता चलेगा। देखा जाए दोस्तों तो टाइगर 3 सलमान खान की पॉपुलर टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है जिसे मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले अलिया बाज जफर ने डायरेक्ट किया उससे पहले कबीर खान ने डायरेक्ट किया। यशराज फिल्म्स की इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म एकता टाइगर जो कि 2012 में रिलीज हुई जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया। फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 में रिलीज हुई इसे डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने। पिछली दोनों फिल्मों में भी सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म में भी वही नजर आने वाले हैं लेकिन इस बार थोड़ा हाई लेवल पे नजर आएंगे वो। खबरें हैं कि मेकर्स ने इसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है और शायद इसी वजह से फिल्म को डिले रिलीज किया जा रहा है। आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप निराश है कि रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया या खुश है कि कुछ हमें एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा दिवाली के मौके पर? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों आखिरकार सलमान खान और शाहरुख खान ने अपने बिजी शेड्यूल से फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए वक्त निकाल लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो लंबे समय से मेकर्स दोनों की एक साथ डेट्स चाह रहे थे जो कि संभव नहीं हो पा रही थी लेकिन अब खबरें हैं कि दोनों इस महीने के आखिरी में टाइगर 3 के क्लाइमेक्स की शूटिंग मुंबई में करेंगे। आपको बता दें कि टाइगर 3 सलमान खान की टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म है। पिछली दोनों फिल्मों एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। अब फैंस टाइगर 3 का इंतजार कर रहे हैं और कुछ महीने पहले सलमान खान ने फिल्म से जुड़ा एक टीजर भी शेयर किया। बताया कि यह मूवी 2023 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही अपनी अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। मतलब सलमान जहां किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग कर रहे तो वहीं शाहरुख खान डायरेक्टर अटली की फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी हैं। जवान की शूटिंग इन दिनों चेन्नई में की जा रही है जो इस महीने के आखिरी तक चलेगी और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर के आखिरी में शाहरुख खान मुंबई लौट आएंगे और टाइगर 3 की शूटिंग के लिए सलमान खान को ज्वाइन करेंगे। खबरें कि शाहरुख को डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी की शूटिंग भी करनी है। इस फिल्म में शाहरुख खान पहली बार तापसी पन्नू के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। टाइगर 3 अपने शूटिंग शेड्यूल के आखिरी पड़ाव पर है और शाहरुख खान के साथ स्पेशल सीक्वेंस शूट करने के बाद फिल्म की शूटिंग लगभग लगभग पूरी हो जाएगी। टाइगर फ्रेंचाइजी में सलमान की तीसरी फिल्म फरवरी 2021 में फ्लोर पर आई थी और इसमें इमरान हाशमी नेगेटिव रोल में नजर आएंगे जबकि पाकिस्तानी कैरेक्टर पता ही है कैटरीना कैफ अपने जोया के कैरेक्टर में नजर आएंगी। फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है जो मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। देखा जाए दोस्तों तो इससे पहले भी सलमान खान और शाहरुख खान कई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुकी हैं और इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि जब भी ये बड़े पर्दे पर एक साथ आते हैं तो हर बार प्रोड्यूसर्स का पैसा डबल हो जाता है। दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान इन दिनों फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सलमान खान किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं तो वही शाहरुख खान जवान डंकी और पठान फिल्म में एक साथ नजर आएंगे।
सलमान खान और शाहरुख खान दोनों एक दूसरे की फिल्म में नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सलमान खान पठान में कैमियो करेंगे तो शाहरुख खान टाइगर 3 में कैमियो करते नजर आने वाले हैं। लेकिन अगर इनकी जोड़ी की बात की जाए तो सबसे पहले ये दोनों नजर आए थे करण अर्जुन में। करण अर्जुन फिल्म को सलमान खान और शाहरुख खान की लाइफ की सबसे बेस्ट फिल्म माना जाता है। इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान भाई के रोल में नजर आए थे। दोस्तों आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो पहले ये रोल जो सलमान खान ने किया है ऑफर किया गया था अजय देवगन को और उनके साथ थे शाहरुख खान। लेकिन खास बात यह है कि अजय देवगन को शाहरुख खान का रोल बहुत पसंद आया था और वो चाहते थे कि वो शाहरुख खान का कैरेक्टर प्ले करें। तो डायरेक्टर ने कहा कि आप शाहरुख खान से बात कर लो, अगर वो मानते हैं तो। शाहरुख खान से जब अजय देवगन ने बात की तो शाहरुख खान को भी उस समय कुछ इंटरेस्ट नहीं था फिल्म को करने के लिए, तो दोनों ने ही फिल्म को करने से मना कर दिया, अजय देवगन ने भी और शाहरुख खान ने भी। लास्ट में क्या होता कि शाहरुख खान फिल्म के लिए हाँ कह देते हैं, अजय देवगन की जगह सलमान खान को कास्ट किया जाता है। और जब मीडिया में ये बात आती है कभी कभी कि शाहरुख से नाराज है अजय या अजय शाहरुख से बात नहीं करते, तो इसकी शुरुआत वहां से हुई थी जो धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। वेल दूसरी फिल्म की बात करते हैं तो दूसरी फिल्म है हम तुम्हारे हैं सनम। हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान लीड रोल में नजर आए थे। इन दोनों के साथ इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय नजर आई थी। तीसरी फिल्म की बात करें तो कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है फिल्म भी काफी चर्चा में रही। इस फिल्म में भी सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ देखने को मिले, हालांकि सलमान खान का बहुत ही छोटा सा रोल था, कह सकते कैमियो था। वहीं अगर ब्यूटी प्रेजेंट की बात करें तो रानी मुखर्जी और काजोल थी। अगली फिल्म है दुश्मन दुनिया का। दुश्मन दुनिया का फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान का कोई लीड रोल नहीं था। साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म में दोनों का कैमियो था। अगली फिल्म की बात करें तो हर दिल जो प्यार करेगा, क्या फिल्म थी और क्या फिल्म के गाने थे। सलमान खान की लीड रोल वाली फिल्म हर दिल जो प्यार करेंगे में शाहरुख खान ने कैमियो किया था, लेकिन उनका बहुत ही छोटा सा रोल था, लेकिन रोल बहुत दमदार था। दर्शकों को दोनों की जोड़ी देखकर बहुत मजा आया था। अगली फिल्म ओम शांति ओम, जहां एक ही सॉन्ग में लगभग 150 एक्टर्स नजर आए थे कैमियो के तौर पर। उन 150 एक्टर्स में से सलमान खान भी थे, धर्मेंद्र भी थे, बॉबी देओल थे, तुषार कपूर थे, जितेंद्र थे, गिनत एक्टर्स थे उस फिल्म में। अगली फिल्म है भाईजान की ट्यूबलाइट। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख खान जादूगर के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में सलमान खान के भाई सुहेल खान भी नजर आए थे। दोस्तों ये ट्यूबलाइट एक ऐसी फिल्म थी जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हो, लेकिन ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। जो इसमें भाई से भाई की बॉन्डिंग दिखाई गई थी अल्टीमेट था। अगली फिल्म जीरो। शाहरुख खान कैटरीना कैफ एक साथ अनुष्का शर्मा वाली फिल्म में नजर आए थे जीरो में, जहां सलमान खान एक गाने में नजर आए थे और सलमान खान के इस रोल की काफी चर्चा हुई थी। अब दो और फिल्में शामिल हैं जो आने वाले टाइम में इस लिस्ट में ऐड होंगी, मोस्ट एंड मच अवेटेड फिल्म पठान और टाइगर 3। दोस्तों ये वो फिल्में हैं जिनमें शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ नजर आए। मैक्सिमम फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग ली, धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, एक दो को छोड़कर, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गई, जीरो हो गई, लेकिन बाकी फिल्में सुपरहिट रही थी। वेल इसके बारे में आपको क्या कहना है, इन फिल्मों के बारे में? कहां शूट होगा फिल्म टाइगर 3 का टाइटल सॉन्ग? क्यों कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने रोका कैटरीना कैफ को? क्या सिंगर केके का गाना होगा शामिल? दोस्तों कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट, जिन्होंने स्वैग से करेंगे सबका स्वागत गाना कोरियोग्राफ किया, और सबसे जरूरी बात भाई सलमान खान को कोरियोग्राफ किया, वही अब टाइगर 3 के लिए भी कोरियोग्राफी करने वाली है। वैसे फिल्म का रोमांटिक ट्रैक कोरियोग्राफ होगा ही, पर उसके साथ साथ एक और गाना कोरियोग्राफ किया जाएगा जिसे वैभवी कोरियोग्राफ करेंगी, और इसमें शामिल होंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना एक्शन के साथ साथ डांस में भी माहिर है, पर जब भी वैभवी कैटरीना को डांस स्टेप सिखाती है, उसके थोड़े टाइम के बाद वो कैटरीना को रोक देती है ये कहकर कि कैटरीना तुम थोड़ा ज्यादा कर रही हो। अब ये कोई झगड़े वाली बात नहीं है, दरअसल कैटरीना किसी के भी डांस स्टेप इजीली कैप्चर कर लेती है और वो काफी शार्प होती है, उनकी मेमोरी काफी स्ट्रांग है, इसलिए वैभवी का काम आसान होता है। और जब कैटरीना प्रैक्टिस करके पसीना बहा रही होती है तो वैभवी कहती है तुमने थोड़ा ज्यादा स्टडी कर लिया है, अब बस करो। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 जो कि एक फाइनल मिशन के साथ दस्तक देने वाली है। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कैटरीना तुर्की में डांस ट्रेनिंग ले रही है। इस गाने को स्टनिंग लोकेशंस के साथ शूट किया जाएगा। वैसे तो प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के दिमाग में कई सारी लोकेशंस है, जिसमें अभी के लिए तो एंशिएंट सिटी ऑफ इस्तांबुल, द मेडिटेरियन कोस्टल टाउन ऑफ बोड्रम एंड द माउंटेनियस रीजन ऑफ कैपाडोसिया शामिल है। वैसे भी फिल्म की कास्ट के साथ साथ क्रू मेंबर्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए तो एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त हर कोई अपना कैमरा, लाइट, प्रॉप्स और इक्विपमेंट्स लेकर हाजिर होता है। वैसे सलमान खान तो टाइटल सॉन्ग का हिस्सा होंगे ही, पर कैटरीना के डांस मूव्स जो सबको अपना दीवाना बनाते हैं वो भी काफी पसीना बहा रही है। सिंगर के म्यूजिक इंडस्ट्री की शान थे, पर उनके कॉन्सर्ट के वक्त हार्ट अटैक आने की वजह से कोलकाता में
मौत हो गई। पर केके की मौत से पहले उनका लास्ट रिकॉर्डिंग था टाइगर 3 के लिए, यानी सलमान खान की फिल्म के लिए। अगर आज वो होते ना तो काफी खुश होते, और इसी बात का सलमान खान को भी अफसोस है, क्योंकि सिर्फ टाइगर 3 के लिए ही नहीं बल्कि सलमान की बाकी फिल्मों के गाने जैसे कि तड़प तड़प, हमको प्यार हुआ, वो जाना, बजरंगी भाईजान का तू जो मिला, एक टाइगर का लापता, ऐसे कई सारे गाने उन्होंने गाए हैं। इसलिए फिल्म का ये गाना सबको उनकी याद दिलाएगा और उनके फैंस भी उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो बस इंतजार है उनकी आवाज़ का। दोस्तों, आप टाइगर 3 के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट। की धमाकेदार शुरुआत सुपरस्टार शाहरुख खान करने वाले हैं। किंग खान की फिल्म इसी महीने जनवरी 25 तारीख को रिलीज होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। ऑलरेडी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, अब देखना है कि कैसी साबित होती है ये फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर। नंबर 2, शहजादा। साल के अगले महीने फरवरी में फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन अपनी मच अवेटेड फिल्म शहजादा को लेकर थिएटर पहुंचेंगे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये साउथ फिल्म की रीमेक है जिसमें अल्लू अर्जुन ने धमाल मचाया था। उनकी फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम की रीमेक है। ये फिल्म 10 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब देखना होगा कि अल्लू अर्जुन के कंपैरिजन में ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है। नंबर 3 है सेल्फी। जी हाँ, इसके बाद फरवरी महीने में 24 तारीख के दिन सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में पहली बार इमरान हाशमी और खुद अक्षय कुमार दोनों साथ में काम करने वाले हैं। हालांकि खास बात तो यह कि ये फिल्म भी साउथ की रीमेक है। जी हाँ, साउथ की फिल्म ड्राइविंग की रीमेक है जिसमें पृथ्वी राजकुमार नजर आए थे। नंबर 4 पे भोला। 30 मार्च 2023 के दिन सुपरस्टार अजय देवगन भी अपनी फिल्म भोला को लेकर सिल्वर स्क्रीन पहुंचने वाली है। इस फिल्म का भी खासा बज बना हुआ है और हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था जो बहुत ही धमाकेदार था और अलग लेवल का था। पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म भी साउथ की रीमेक है जिसमें कार्तिक लीड रोल प्ले करते नजर आए थे। अब अगले सुपरस्टार है सलमान खान। जी हाँ, किसी का भाई किसी की जान लेकर आ रहे हैं 21 अप्रैल के दिन। सुपरस्टार सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म से धमाका कर सकते हैं क्योंकि इनकी लास्ट फिल्म में देखा जाए तो 2021 में रिलीज हुई थी एक थी राधे और मोस्ट वांटेड भाई, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। फिल्म कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो उसमें सलमान खान का एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हैं। फिल्म का नाम था अंतिम द फाइनल ट्रुथ। अब 2023 में दो फिल्मों से धमाका करने वाले हैं, एक तो है किसी का भाई किसी की जान और दूसरी फिल्म है टाइगर 3। देखना होगा कि ये फिल्में लोगों को पसंद आती है या नहीं। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। 28 अप्रैल 2023 के दिन फिल्म स्टार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को खुद करण जौहर डायरेक्ट करने वाले हैं। लंबे वक्त के बाद वो किसी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में धर्मेंद्र भी नजर आएंगे। बहुत खास होने वाली ये फिल्म। अब हालांकि रणवीर सिंह का जो आजकल लक है वो कुछ साथ नहीं दे रहा है, लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है। 83 फ्लॉप हुई, जेश भाई जोरदार फ्लॉप हुई, सर्कस फ्लॉप हुई, तो इस फिल्म से वो कमाल दिखा पाएंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो जिसका हम सभी को इंतजार है पोनेनियन सेल्वन 2। चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर तमिल डायरेक्टर मनी रत्नम की फिल्म पोनेनियन सेल्वन 2। इस फिल्म को मेकर्स 28 अप्रैल के दिन रिलीज करेंगे। खास बात तो ये है कि ये फिल्म ऑलरेडी बज क्रिएट कर चुकी है। ऑलरेडी ये फिल्म इसका पहला पार्ट जो है वो बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा चुका है और इसी वजह से इसके सेकंड पार्ट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है शाहरुख खान की फिल्म जवान, जो 2 जून को रिलीज होने वाली है। मतलब इस साल 2023 में वैसे तो शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। पहली पठान जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, दूसरी है जवान जिसे डायरेक्टर लेंगे डायरेक्टर अटली कुमार। फिल्म में 2 साउथ के सुपरस्टार नजर आएंगे। खास बात तो है कि शाहरुख खान से भिड़ेंगे भी। नेक्स्ट फिल्म है आदि पुरुष। जी हाँ, आदि पुरुष प्रभास स्टारर आदि पुरुष भी इसी साल रिलीज होने के लिए तैयार है। मेगस ने ऐलान कर दिया कि फिल्म 16 जून 2023 को रिलीज होगी। अब बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं फिल्म में, फिल्म का बजट बढ़ाया गया। अब देखना होगा कि इस बार लोगों को पसंद आता है कि नहीं। नेक्स्ट फिल्म है रणबीर कपूर स्टारर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वागा की फिल्म एनिमल, जो अगस्त के महीने में रिलीज होगी। इस फिल्म को मेकर्स 11 अगस्त के दिन रिलीज करेंगे और अभी हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। लुक देखकर केजीएफ की थोड़ी बहुत याद आती है क्योंकि हाथ में कुल्हाड़ी है, सिगरेट है, लंबे बाल है, बड़ी हुई दाढ़ी है और जो शॉर्ट पहनी हुई है उसमें खून के धब्बे भी हैं। कुछ कुछ वैसा ही लुक है केजीएफ वाला। नेक्स्ट फिल्म मोस्ट अवेटेड मोस्ट टॉकेटिव फिल्म सलार। 28 सितंबर 2023 के दिन केजीएफ 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील सुपरस्टार प्रभास के साथ फिल्म सलार को लेकर सिनेमाघर पहुंचेंगे। ये एक पैन इंडिया मूवी होगी जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नेक्स्ट है सबकी फेवरेट सलमान खान की फिल्म टाइगर 3। जी हाँ, सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 10 नवंबर के दिन सिनेमाघर पहुंचेगी और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी सुपर एक्साइटेड है। नेक्स्ट फिल्म की बात करूं तो डंकी। शाहरुख खान अगेन राजकुमार हिरानी के साथ डंकी फिल्म लेकर आएंगे, सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचेंगे और ये फिल्म 22 दिसंबर के दिन रिलीज होगी।
लास्ट फिल्म की बात करते हैं तो वो है बड़े मियां छोटे मियां। ये फिल्म भी मच अवेटेड फिल्म है और मोस्ट टॉकेटिव फिल्म है। बहुत बज क्रिएट किया इस फिल्म ने सिर्फ एक टीजर से। फिल्म स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में नजर आएंगे, मच अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में, जो कि इसी साल रिलीज होने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म भी 22 दिसंबर के दिन रिलीज हो सकती है, हालांकि कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। वेल दोस्तों, तो ये है कुछ 14 फिल्में जो 2023 में रिलीज होंगी और बेड़ा पार लगाएंगी बॉलीवुड का। आपको क्या कहना है इन फिल्मों के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, आखिरकार सलमान खान और शाहरुख खान ने अपने बिजी शेड्यूल से फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए वक्त निकाल लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो लंबे समय से मेकर्स दोनों की एक साथ डेट्स चाह रहे थे, जो कि संभव नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब खबरें हैं कि दोनों इस महीने के आखिरी में टाइगर 3 के क्लाइमेक्स की शूटिंग मुंबई में करेंगे। आपको बता दें कि टाइगर 3 सलमान खान की टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म है। पिछली दोनों फिल्मों एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। अब फैंस टाइगर 3 का इंतजार कर रहे हैं और कुछ महीने पहले सलमान खान ने फिल्म से जुड़ा एक टीजर भी शेयर किया। बताया कि यह मूवी 2023 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही अपनी अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। मतलब सलमान जहां किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग कर रहे, तो वहीं शाहरुख खान डायरेक्टर अटली की फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी हैं। जवान की शूटिंग इन दिनों चेन्नई में की जा रही है, जो इस महीने के आखिरी तक चलेगी। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर के आखिरी में शाहरुख खान मुंबई लौट आएंगे और टाइगर 3 की शूटिंग के लिए सलमान खान को ज्वाइन करेंगे। खबरें हैं कि शाहरुख और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी की शूटिंग भी करनी है। इस फिल्म में शाहरुख खान पहली बार तापसी पन्नू के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। टाइगर 3 अपने शूटिंग शेड्यूल के आखिरी पड़ाव पर है और शाहरुख खान के साथ स्पेशल सीक्वेंस शूट करने के बाद फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो जाएगी। टाइगर फ्रेंचाइजी में सलमान की तीसरी फिल्म फरवरी 2021 में फ्लोर पर आई थी और इसमें इमरान हाशमी नेगेटिव रोल में नजर आएंगे, जबकि पाकिस्तानी कैरेक्टर पता ही है कैटरीना कैफ अपने जोया के कैरेक्टर में नजर आएंगी। फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है जो मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। देखा जाए दोस्तों, तो इससे पहले भी सलमान खान और शाहरुख खान कई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुकी हैं और इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि जब भी ये बड़े पर्दे पर एक साथ आते हैं तो हर बार प्रोड्यूसर्स का पैसा डबल हो जाता है। दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान इन दिनों फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सलमान खान किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं, तो वहीं शाहरुख खान जवान, डंकी और पठान फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों एक दूसरे की फिल्म में नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सलमान खान पठान में कैमियो करेंगे तो शाहरुख खान टाइगर 3 में कैमियो करते नजर आने वाले हैं। कि अगर इनकी जोड़ी की बात की जाए तो सबसे पहले ये दोनों नजर आए थे करण अर्जुन में। करण अर्जुन फिल्म को सलमान खान और शाहरुख खान की लाइफ की सबसे बेस्ट फिल्म माना जाता है। इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान भाई के रोल में नजर आए थे। दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो पहले ये रोल जो सलमान खान ने किया है, ऑफर किया गया था अजय देवगन को और उनके साथ थे शाहरुख खान। लेकिन खास बात यह है कि अजय देवगन को शाहरुख खान का रोल बहुत पसंद आया था और वो चाहते थे कि वो शाहरुख खान का कैरेक्टर प्ले करें। तो डायरेक्टर ने कहा कि आप शाहरुख खान से बात कर लो, अगर वो मानते हैं तो। शाहरुख खान से जब अजय देवगन ने बात की तो शाहरुख खान को भी उस समय कुछ इंटरेस्ट नहीं था फिल्म को करने के लिए, तो दोनों ने ही फिल्म को करने से मना कर दिया, अजय देवगन ने भी और शाहरुख खान ने भी। लास्ट में क्या होता कि शाहरुख खान फिल्म के लिए हाँ कह देते हैं, अजय देवगन की जगह सलमान खान को कास्ट किया जाता है। और जब मीडिया में ये बात आती है कभी कभी कि शाहरुख से नाराज है अजय या अजय शाहरुख से बात नहीं करते, तो इसकी शुरुआत वहां से हुई थी जो धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। वेल दूसरी फिल्म की बात करते हैं तो दूसरी फिल्म है हम तुम्हारे हैं सनम। हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान लीड रोल में नजर आए थे। इन दोनों के साथ इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय नजर आई थी। तीसरी फिल्म की बात करें तो कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है फिल्म भी काफी चर्चा में रही। इस फिल्म में भी सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ देखने को मिले, हालांकि सलमान खान का बहुत ही छोटा सा रोल था, कह सकते कैमियो था। वहीं अगर ब्यूटी प्रेजेंट की बात करें तो रानी मुखर्जी और काजोल थी। अगली फिल्म है दुश्मन दुनिया का। दुश्मन दुनिया का फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान का कोई लीड रोल नहीं था। साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म में दोनों का कैमियो था। अगली फिल्म की बात करें तो हर दिल जो प्यार करेगा, क्या फिल्म थी और क्या फिल्म के गाने थे। सलमान खान की लीड रोल वाली फिल्म हर दिल जो प्यार करेंगे में शाहरुख खान ने कैमियो किया था, लेकिन उनका बहुत ही छोटा सा रोल था, लेकिन रोल बहुत दमदार था। दर्शकों को दोनों की जोड़ी देखकर बहुत मजा आया था। अगली फिल्म ओम शांति ओम, जहां एक ही सॉन्ग में लगभग 150 एक्टर्स नजर आए थे कैमियो के तौर पर। और उन 150 एक्टर्स में से सलमान खान भी थे, धर्मेंद्र भी थे, बॉबी देओल थे, तुषार कपूर थे, जितेंद्र थे, गिनत एक्टर्स थे उस फिल्म में। अगली फिल्म है भाईजान की ट्यूबलाइट। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख खान जादूगर के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में सलमान खान के भाई सुहेल खान भी नजर आए थे। दोस्तों, ये ट्यूबलाइट एक ऐसी फिल्म थी जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हो, लेकिन ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। जो इसमें भाई से भाई की बॉन्डिंग दिखाई गई थी अल्टीमेट था। अगली फिल्म जीरो। शाहरुख खान कैटरीना कैफ एक साथ अनुष्का शर्मा वाली फिल्म में नजर आए थे जीरो में, जहां सलमान खान एक गाने में नजर आए थे।
और सलमान खान के इस रोल की काफी चर्चा हुई थी। अब दो और फिल्में शामिल हैं जो आने वाले टाइम में इस लिस्ट में ऐड होंगी, मोस्ट एंड मच अवेटेड फिल्म पठान और टाइगर 3। दोस्तों ये वो फिल्में हैं जिनमें शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ नजर आए। मैक्सिमम फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग ली, धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, एक दो को छोड़कर जैसे कि ट्यूबलाइट हो गई, जीरो हो गई, लेकिन बाकी फिल्में सुपरहिट रही थी। वेल, इसके बारे में आपको क्या कहना है इन फिल्मों के बारे में? सलमान खान तक कई बड़े सितारे इस साल अपनी फिल्में लेकर सिल्वर स्क्रीन पहुंचेंगे, साथ ही कुछ बड़ी पैन इंडिया फिल्में भी थिएटर्स पर धमाका करने वाली हैं। तो इस लिस्ट में नंबर वन पे है पठान। जी हां, साल 2023 की धमाकेदार शुरुआत सुपरस्टार शाहरुख खान करने वाले हैं। किंग खान की फिल्म इसी महीने जनवरी 25 तारीख को रिलीज होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। ऑलरेडी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, अब देखना है कि कैसी साबित होती है ये फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर। नंबर टू शहजादा। साल के अगले महीने फरवरी में फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन अपनी मच अवेटेड फिल्म शहजादा को लेकर थिएटर पहुंचेंगे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये साउथ फिल्म की रीमेक है जिसमें अल्लू अर्जुन ने धमाल मचाया था। उनकी फिल्म अल्ला वैकुंठपुरम की ये रीमेक है। ये फिल्म 10 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब देखना होगा कि अल्लू अर्जुन के कंपैरिजन में ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है। नंबर थ्री है सेल्फी। जी हाँ, इसके बाद फरवरी महीने में 24 तारीख के दिन सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में पहली बार इमरान हाशमी और खुद अक्षय कुमार दोनों साथ में काम करने वाले हैं। हालांकि खास बात तो ये कि ये फिल्म भी साउथ की रीमेक है। जी हाँ, साउथ की फिल्म ड्राइविंग की रीमेक है जिसमें पृथ्वी राजकुमार नजर आए थे। नंबर फोर पे भोला। 30 मार्च 2023 के दिन सुपरस्टार अजय देवगन भी अपनी फिल्म भोला को लेकर सिल्वर स्क्रीन पहुंचने वाली हैं। इस फिल्म का भी खासा बज बना हुआ है और हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था जो बहुत ही धमाकेदार था और अलग लेवल का था। वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म भी साउथ की रीमेक है जिसमें कार्तिक लीड रोल प्ले करते नजर आए थे। अब अगले सुपरस्टार है सलमान खान। जी हाँ, किसी का भाई किसी की जान लेकर आ रहे हैं 21 अप्रैल के दिन। सुपरस्टार सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म से धमाका कर सकते हैं क्योंकि इनकी लास्ट फिल्म में देखा जाए तो 2021 में रिलीज हुई थी एक थी राधे और मोस्ट वांटेड भाई, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। फिल्म कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो उसमें सलमान खान का एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हैं। फिल्म का नाम था अंतिम द फाइनल ट्रुथ। अब 2023 में दो फिल्मों से धमाका करने वाले हैं, एक तो है किसी का भाई किसी की जान और दूसरी फिल्म है टाइगर 3। देखना होगा कि ये फिल्म लोगों को पसंद आती है या नहीं। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। 28 अप्रैल 2023 के दिन फिल्म स्टार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टार और फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को खुद करण जौहर डायरेक्ट करने वाले हैं। लंबे वक्त के बाद वो किसी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में धर्मेंद्र भी नजर आएंगे। बहुत खास होने वाली है फिल्म। अब हालांकि रणवीर सिंह का जो आजकल लक है वो कुछ साथ नहीं दे रहा है, लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है। 83 फ्लॉप हुई, जेश भाई जोरदार फ्लॉप हुई, सर्कस फ्लॉप हुई, तो इस फिल्म से वो कमाल दिखा पाएंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो जिसका हम सभी को इंतजार है पोनेनियन सेल्वन 2। चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर तमिल डायरेक्टर मनी रत्नम की फिल्म पोनेनियन सेल्वन 2। इस फिल्म को मेकर्स 28 अप्रैल के दिन रिलीज करेंगे। खास बात तो ये है कि ये फिल्म ऑलरेडी बज क्रिएट कर चुकी है। ऑलरेडी ये फिल्म इसका पहला पार्ट जो है वो बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा चुका है और इसी वजह से इसके सेकंड पार्ट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है शाहरुख खान की फिल्म जवान, जो 2 जून को रिलीज होने वाली है। मतलब इस साल 2023 में वैसे तो शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। पहली पठान जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, दूसरी है जवान जिसे डायरेक्टर लेंगे डायरेक्टर अटली कुमार। फिल्म में 2 साउथ के सुपरस्टार नजर आएंगे। खास बात तो है कि शाहरुख खान से भिड़ेंगे भी। नेक्स्ट फिल्म है आदि पुरुष। जी हाँ, आदि पुरुष प्रभास स्टारर आदि पुरुष भी इसी साल रिलीज होने के लिए तैयार है। मेकर्स ने ऐलान कर दिया कि फिल्म 16 जून 2023 को रिलीज होगी। अब बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं फिल्म में, फिल्म का बजट बढ़ाया गया। अब देखना होगा कि इस बार लोगों को पसंद आता है कि नहीं। नेक्स्ट फिल्म है रणबीर कपूर स्टारर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वागा की फिल्म एनिमल, जो अगस्त के महीने में रिलीज होगी। इस फिल्म को मेकर्स 11 अगस्त के दिन रिलीज करेंगे और अभी हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। लुक देखकर केजीएफ की थोड़ी बहुत याद आती है क्योंकि हाथ में कुल्हाड़ी है, सिगरेट है, लंबे बाल है, बड़ी हुई दाढ़ी है और जो शॉर्ट पहनी हुई है उसमें खून के धब्बे भी हैं। कुछ कुछ वैसा ही लुक है केजीएफ वाला। नेक्स्ट फिल्म मोस्ट अवेटेड मोस्ट टॉकेटिव फिल्म सलार। 28 सितंबर 2023 के दिन केजीएफ 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील सुपरस्टार प्रभास के साथ फिल्म सलार को लेकर सिनेमाघर पहुंचेंगे। ये एक पैन इंडिया मूवी होगी जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नेक्स्ट है सबकी फेवरेट सलमान खान की फिल्म टाइगर 3। जी हाँ, सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 10 नवंबर के दिन सिनेमाघर पहुंचेगी और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी सुपर एक्साइटेड है। नेक्स्ट फिल्म की बात करूं तो डंकी। शाहरुख खान अगेन राजकुमार हिरानी के साथ डंकी फिल्म लेकर आएंगे, सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचेंगे और ये फिल्म 22 दिसंबर के दिन रिलीज होगी। लास्ट फिल्म की बात करते हैं तो वो है बड़े मियां छोटे मियां। ये फिल्म भी मच अवेटेड फिल्म है और मोस्ट टॉकेटिव फिल्म है। बहुत बज क्रिएट किया इस फिल्म ने सिर्फ एक टीजर से।
फिल्म स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में नजर आएंगे, मच अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में, जो कि इसी साल रिलीज होने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म भी 22 दिसंबर के दिन रिलीज हो सकती है, हालांकि कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। वेल दोस्तों, तो ये है कुछ 14 फिल्में जो 2023 में रिलीज होंगी और बेड़ा पार लगाएंगी बॉलीवुड का। आपको क्या कहना है इन फिल्मों के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। ये सुपरस्टार है, दोनों के एक साथ आने को फैंस काफी पसंद करते हैं। हमने उन्हें कई बार ऑफ स्क्रीन एक साथ देखा है, लेकिन पठान में उनका हालिया ऑन स्क्रीन रोमांस फैंस के लिए आतिशबाजी से कम नहीं था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पठान में सलमान के कैमियो के बाद शाहरुख टाइगर 3 में भी एक कैमियो में दिखने वाले हैं, और किंग खान ने अभी तक उस शेड्यूल की शूटिंग पूरी नहीं की है। टाइगर 3 YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, और एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। अब सुनने में आया है कि टाइगर 3 में सलमान शाहरुख के सीन के लिए मेकर्स एक बड़ा सेट बना रहे हैं और इसे बनाने में 45 दिन लगेंगे। टाइगर 3 में सलमान खान और शाहरुख खान फिर से स्क्रीन पर नजर आएंगे। सोर्स ने यह भी खुलासा किया है कि निर्देशक मनीष शर्मा और आदित्य चोपड़ा ने इसे फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट बनाने की योजना बनाई है। YRF ने चुपचाप एक विशाल सेट बनाने का काम शुरू कर दिया है, फिर इस सीन को शूट करने में लगभग 45 दिन लगेंगे, जिसमें सलमान और SR के दिमाग को हिला देने वाले एक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब सलमान शाहरुख खान की मदद करने के लिए पठान में दिखाई दिए तो सभी थिएटरों में हंगामा मच गया। अब ये टाइगर 3 में फिर से होने का समय है, और उम्मीद है कि सलमान और शाहरुख लोगों को फिर से एक्शन सीन्स की तरफ खींचेंगे। टाइगर 3 में सुपर स्पाई जोया के रूप में कैटरीना कैफ और विलन के रूप में इमरान हाशमी भी है। टाइगर 3 से पहले सलमान खान किसी का भाई किसी की जान में नजर आएंगे। ये ईद पर रिलीज हो रही है, जो फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित है, और इसमें पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, पलक तिवारी, राघव, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल और अन्य प्रमुख भूमिकाएं हैं। आप टाइगर 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भाईजान का नया लुक, क्या भाईजान बॉडी दिखाते हुए नजर आएंगे? कितना कमाने वाली है टाइगर 3? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, टाइगर एक ऐसा किरदार है जो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। एक था टाइगर में रॉ एजेंट बने भाईजान के दो लुक हमें देखने को मिले थे, जिसमें एक तरफ वो साधारण आम आदमी बनके अपनी एजेंट लाइफ को छुपाते नजर आए और दूसरी तरफ एक्शन करते अपने डैशिंग लुक में। फिर आई टाइगर जिंदा है में उनके लुक में शेव के साथ साथ बॉडी में भी काफी बदलाव दिखा। इस फिल्म में उनका एक 10 साल का बच्चा भी दिखाया गया, वो अपनी लाइफ दुनिया के अलग अलग जगहों पर बिता रहे होते हैं। टाइगर 3 में फिर वो अलग लुक में दिखाई देंगे। उनका हर फिल्म में एक अलग अंदाज और एक अनोखा लुक हमें देखने को मिलता है। हाल ही में आई अंतिम में वो एक सरदार पुलिस वाले के लुक में दिखाई दिए थे। अब टाइगर 3 में भी उनका लुक काफी हटके होने वाला है। काफी फिल्मों में सलमान खान अपने बिना शर्ट के बॉडी वाले लुक के लिए जाने जाते हैं, अंतिम में भी वो बिना शर्ट के दिखे थे। अब टाइगर 3 में भी उनका एक बिना शर्ट के बॉडी दिखाने वाला लुक दिखाई दे सकता है। फिल्म के विलन इमरान हाशमी भी बॉडी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में भाईजान भी अपनी बॉडी का जलवा जरूर दिखाएंगे। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है बड़े पर्दे पर 300 करोड़ और 500 करोड़ कमा लेने के बाद से अब टाइगर 3 से फिल्म के निर्माताओं को बहुत उम्मीदें हैं। 250 करोड़ के बजट से बनने वाली टाइगर 3 का 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। पर राधे और रेस 3 में एक्शन करते दिखे है टाइगर सीरीज की वो कॉमन चीज, कौन है इस फिल्म का एक्शन डायरेक्टर? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की शान हम सब के भाई जान सलमान खान, जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं।
पर क्या आप जानते हैं कि क्या है आप सबके फेवरेट भाईजान का लकी चार्म? क्या वो कोई लेडी है या उनकी गर्लफ्रेंड या कोई एक्स या फिर उनकी फैमिली? क्या लगता है आपको कौन है सलमान खान का लकी चार्म जो उनकी पिछली फिल्मों में लगातार उनके साथ बना रहा है? वो लकी चार्म है उनकी रेड जैकेट जो अपनी पिछली फिल्म जैसे कि बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में पहनते दिखाई दिए हैं। हर बार किसी नए अंदाज में भाईजान ने इस जैकेट को कैरी किया है और फिल्म टाइगर 3 में भी वो इस जैकेट में जरूर नजर आएंगे। ये रेड जैकेट इन तीनों फिल्म्स की मोस्ट कॉमन चीज है। इसके अलावा एक और चीज है जो फिल्म टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर और अब टाइगर 3 में भी दिखाई देगी और वो चीज है हमारी जोया यानी कैटरीना कैफ कौशल, जो इस बार भी पिछले फिल्मों की तरह जबरदस्त एक्शन सीन्स करती दिखाई देंगी। पर कौन कराएगा कैटरीना से ये शानदार एक्शन सीन्स? टाइगर सीरीज की पिछली मूवीज की बात करें तो फिल्म एक था टाइगर के एक्शन सीन्स को हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन ने डायरेक्ट किया था जो कि जबरदस्त हिट साबित हुए थे और फिल्म टाइगर जिंदा है के एक्शन सीन्स को टॉम क्रूज ने डायरेक्ट किया था जो कि बिल्कुल झकास थे। तो अब देखना होगा कि इन दोनों में से कौन टाइगर सीरीज के एक्शन सीन्स को डायरेक्ट करता नजर आएगा, जिसके लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्शन सीन शूट करते वक्त लगी चोट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं बड़ा सुना आज आपके लिए लेकर आई हूँ टाइगर 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। सलमान खान इन दोनों अपनी मूवी टाइगर 3 की शूटिंग दिल्ली में कर रहे हैं। इस मूवी में सलमान खान की जोड़ी एक बार फिर कैटरीना कैफ के साथ जमने वाली है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित है। अब इस मूवी के सेट से सलमान और कैटरीना के लुक्स लीक हो गए हैं। लीक हुई फोटोज में सलमान खान और कैटरीना कैफ को चोटें लगी हुई हैं। टाइगर 3 की शूटिंग विदेश में करने के बाद अब जाके भाईजान यानी बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इसके आखिरी हिस्से को शूट कर रहे हैं। दिल्ली में मूवी टाइगर 3 की शूटिंग हो रही है, ऐसे में सेट्स में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें सलमान और कैटरीना को एक्शन अवतार में देखा जा सकता है। दोनों की सेट्स में आई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई है। फोटोज में कैटरीना कैफ ने कॉम्बैट वेस्ट और जीन्स पहना हुआ है, वहीं सलमान खान टी शर्ट और ट्राउजर में नजर आ रहे हैं। दोनों का लुक उबर कूल है। इन तस्वीरों में साफ है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों की तरह इसमें भी जबरदस्त स्टंट्स करते नजर आएंगे। मूवी टाइगर 3 को मनीष शर्मा बना रहे हैं। ये एक था टाइगर मूवी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है। मूवी में सलमान खान अपने अविनाश सिंह राठौर उर्फ टाइगर के रोल में एक बार फिर नजर आएंगे, तो कैटरीना कैफ भी जोया का किरदार निभाती दिखने वाली है। इस बार मूवी में इमरान हाशमी अहम भूमिका में दिखने वाली है। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बन रही ये मूवी इसी साल रिलीज होने वाली है। वेल दर्शकों, आप सभी इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टाइगर 3 का विलन कौन होगा? टाइगर की टाइग्रेस कौन होगी? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। भाईजान की फिल्म टाइगर का तीसरा पार्ट बनने जा रहा है और टाइगर फिल्म को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था। लोगों ने इस फिल्म को बहुत सारा प्यार भी दिया था और अब सुनने में आ रहा है टाइगर 3 में विलन के किरदार में हमें इमरान हाशमी दिख सकते हैं। ये पहली बार होगा जब इमरान हाशमी और सलमान खान एक साथ पर्दे में हमें दिखेंगे। इससे पहले सलमान इंस्पेक्टर के किरदार में आयुष और सोनू सूद के साथ एक्शन करते हुए हमें दिखे थे। इमरान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा उनके सामने एक्शन करना, पर इस फिल्म में इन दोनों के एक्शन सीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे और इसलिए इमरान हाशमी इस फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। टाइगर के दूसरे पार्ट में हमने देखा था टाइगर अभी जिंदा है और कैसे देश पे मुसीबत आने पर वो एक मिशन पर जाता है। अब जब इस फिल्म की तीसरी पार्ट आ रही है तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि सलमान कैसे फिर एक मिशन पर जाते हैं और एक्शन करते हुए भी हमें दिखेंगे। एक था टाइगर के बाद अब 5 साल बाद टाइगर 3 की खबरें आ रही हैं। दरअसल सलमान अपने प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी रहते हैं और काफी मुश्किल से उन्हें टाइम मिलता है। खबर ये भी आ रही है इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही दिल्ली के कैनॉट प्लेस से शुरू होगी, साथ ही साथ दिल्ली से जुड़े नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में भी इस फिल्म की शूटिंग होने वाली है। टाइगर 3 की शूट के लिए सलमान खान को रशिया में भी देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ कैटरीना कैफ हमें नजर आने वाली हैं। विकी कौशल से शादी के बाद ये पहली बार होगा जब वो हमें ऑन स्क्रीन सलमान खान के साथ नजर आने वाली हैं।
साथ ही साथ ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या रंग लाती है सलमान खान और इमरान हाशमी की जोड़ी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्या होगा फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग? कौन करेगा आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म और कौन गाएगा ये आइटम सॉन्ग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड को पसंद करने वाली आधी से ज्यादा ऑडियंस बॉलीवुड के सबसे चहेते सुपरस्टार सलमान खान की फैन है। सलमान के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्मों का पलके बिछाए इंतजार करते रहते हैं कि कब उनकी नई फिल्म रिलीज हो और कब उन्हें सलमान को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिले। अपने फैंस की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भाईजान बहुत जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। आपने सलमान खान की टाइगर सीरीज की फिल्में तो देखी ही होंगी और आप में से कई लोग तो उनके फैंस भी होंगे। टाइगर सीरीज के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि सलमान खान जल्द ही टाइगर 3 में अभिनय करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ बॉलीवुड की शीला यानी कैटरीना कैफ फीमेल लीड रोल में काम करती हुई नजर आएंगी। इससे पहले भी कैटरीना और सलमान साथ में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और टाइगर सीरीज की सभी फिल्मों में ऑडियंस को सलमान और कैटरीना की जोड़ी देखने को मिलती है। ऑडियंस उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करती है, इसलिए मेकर्स ने टाइगर 3 में भी कैटरीना और सलमान को एक साथ रखा है। भाईजान का जलवा और कैटरीना की दिलकश अदाएं फिल्म को शानदार बनाने के लिए काफी हैं, लेकिन ऑडियंस को थोड़ा और अट्रैक्ट करने के लिए मेकर्स ने इस बार एक आइटम सॉन्ग को फिल्म में जगह देने की सोची है। ये आइटम सॉन्ग बेहद ही खास होगा। इसमें मेकर्स बेहतरीन शूटिंग, बेहतरीन सिंगर और उस पर परफॉर्म करने के लिए शानदार अदाकारा को कास्ट करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आइटम सॉन्ग पर नौरा फतेही, मौनी रॉय या मलाइका अरोड़ा परफॉर्म करेंगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। भाईजान की फिल्म में आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करने के लिए मेकर्स ने नेशनल क्रश दिशा पाटनी को अप्रोच किया है। अनुमान है कि दिशा ही आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करके फिल्म के अट्रैक्शन का सेंटर बनेगी। इसके साथ ही बात करें अगर होने वाले आइटम सॉन्ग में सुनाई देने वाली आवाज की, तो आपको बता दें कि सलमान इस बार बॉलीवुड के नए टैलेंट को आगे लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मेकर से बस गर्ल, आस्था गर्ल और बादशाह को आइटम सॉन्ग के लिए अप्रोच करने के लिए कहा है। साथ ही आपको बता दें कि बादशाह ने तो सलमान खान के लिए उनकी एक दो फिल्मों में गाने गाए हैं, लेकिन आस्था को पहली बार सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिलने वाला है। वो भाईजान के साथ काम करने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म में होने वाले ये आइटम सॉन्ग फिल्म के एंड में दिखाया जाएगा, ठीक वैसे जैसे कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 में हरे राम गाना दिखाया गया था। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। आज फिर हाजिर हूं मैं, यानी आपकी होस्ट सिमरन ग्रोवर, बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ ताजा अपडेट के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और बॉलीवुड डीवा कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। सलमान खान और कैटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद मेकर्स तैयार है इसका तीसरा पार्ट यानी टाइगर 3 बनाने को। टाइगर 3 के बनने की खबरें जैसे ही ऑन द फ्लोर आई है, वैसे ही ऑडियंस बेहद एक्साइटेड हो चुकी है अपने फेवरेट पेयर सलमान खान और कैटरीना कैफ को एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए। खबर है कि टाइगर 3 की लीड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जोरों शोरों से वर्कआउट कर रही हैं और स्क्वाट्स, जंपिंग और कुछ एक्शन मूव्स की ट्रेनिंग भी ले रही हैं। फिल्म टाइगर 3 को लेकर कैटरीना इतनी मेहनत कर रही हैं, ऐसे में अंदाजा है कि फिल्म टाइगर 3 में कैटरीना कैफ कुछ एक्शन सीन्स भी करती हुई नजर आ सकती है। कैटरीना के फैंस उनको एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि बॉलीवुड की ब्यूटी किंग कही जाने वाली कैटरीना कैफ इंडिया से नहीं है और ना ही इंडियन है। कैटरीना के पास ब्रिटिश की नागरिकता है और आपको बता दें कि उनका जन्म हांगकांग में हुआ था। दरअसल कैटरीना की माँ की एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है और वो कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्थानों से जुड़ी थी और उनसे जुड़े कामों से कई अलग अलग देशों में रही है, जिसकी वजह से कैटरीना भी कई देशों में रही है। और हाँ, ये ख्याल तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि आखिर सलमान खान और कैटरीना कैफ पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे। तो हम हाजिर हैं इस जवाब के साथ। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि जब वो कैटरीना कैफ से पहली बार मिले थे तो वो महज 18 साल की थी।
सलमान की फैमिली ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था और कटरीना उनके घर पार्टी के लिए गई थी। सलमान ने बताया कि कटरीना सलमान की बहनों को और सलमान के दोस्तों को जानती थी पर उन्हें नहीं जानती थी। उस पार्टी में ही सलमान खान और कटरीना कैफ की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई और जान पहचान हुई। सलमान खान और कटरीना कैफ टाइगर 3 में फिर साथ में काम करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, टाइगर 3 अगले साल यानी 2022 में रिलीज होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और हाँ कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको पता था कि कटरीना और सलमान पहली बार कब मिले थे और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोस, मैं हूं सोनिका जैन। दोस्तों सुपरस्टार सलमान के साथ पहली बार नजर आने वाले हैं इमरान हाशमी और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। आपको बता दें इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत करने से वो आज तक बचते आए हैं। लेकिन अब इमरान हाशमी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपने नेगेटिव किरदार के बारे में कहा है। इसके अलावा खबर थी कि इस फिल्म में उनकी एंट्री पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इमरान हाशमी इस दौरान बॉलीवुड हंगामा से बात कर रहे थे। उन्होंने टाइगर 3 को लेकर कहा कि मैंने इन सब बातों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सब कर रहा हूँ। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि सलमान के सामने एक विलन के तौर पर लोग आपको क्यों देखना चाहते हैं तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। इमरान हाशमी का ये बयान काफी चर्चा में है। फैंस का कहना है कि वो काफी बड़ा धमाका करने वाले हैं, इस फिल्म में जो भी होगा वो देखने लायक होगा। इमरान हाशमी अपने करियर में पहली बार इतनी बिग बजट फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। खबर आई थी कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी एक से बढ़कर एक अलग तरह के लुक में नजर आने वाले हैं। इस एक्शन जासूसी फिल्म में इमरान हाशमी का विलन लुक लार्जर देन लाइफ दिखाया जाएगा। इमरान हाशमी पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, वो भी आमने सामने होंगे। और वहीं आपको बता दें इमरान हाशमी का जो किरदार होने वाला है वो उस तरह से लिखा गया है कि स्क्रीन पर जब आएगा तो लंबे समय तक लोगों के दिलो दिमाग में याद रहेगा। वहीं निर्माता आदित्य चोपड़ा ने टाइगर 3 का जो बजट भी रखा है वो हाईफाई है। 350 करोड़ का बजट इस फिल्म का है। ज्यादातर पैसे एक्शन सीन्स और हाई शूटिंग लोकेशन पर खर्च किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों के बीच तीसरा नंबर रखती है। इस फिल्म ने 340 करोड़ की कमाई की। टाइगर 3 की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बॉयफ्रेंड की बात करें तो सलमान इस वक्त किक 2, भाईजान और ब्लैक टाइगर को लेकर चर्चाओं में है। फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग रशिया में कर रहे हैं, काफी बिजी है। सलमान के लुक्स फैंस के सामने आते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दोस्तों सलमान खान फिलहाल रूस में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। सलमान और कैटरीना रूस में करीब करीब एक महीने तक रुककर शूटिंग पूरी करने का प्लान करेंगे। इस बीच शूटिंग से फुर्सत मिलते ही सलमान वक्त निकाल कर घूमने निकल गए। सलमान ने रूस की सड़कों पर कई फैन से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचाई, जहाँ एक फोटो में सलमान एक बच्ची के साथ पोज देते दिख रहे हैं, वहीं एक और फोटो में वो एक आदमी के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान की तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। इन फोटोज में सलमान के चेहरे पर काफी झुर्रिया दिख रही हैं। सलमान की फोटोज देख एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, ये तो बिल्कुल बूढ़े दिखने लगे हैं। वहीं इसके अलावा एक और यूजर ने कहा, सलमान को अब डैडी के रोल शुरू कर देने चाहिए। एक अन्य शख्स कहता है, हाय रब्बा, ये सलमान को क्या हो गया। वहीं कुछ लोग सलमान के साथ फोटो खिंचा रहे एक फैन को श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा, ये तो बिल्कुल श्रद्धा कपूर लग रही हैं। एक और शख्स ने कहा, सलमान से ज्यादा तो उनके फैंस लग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान का लुक सामने आया। इस लुक में सलमान लंबे बालों के साथ भूरे रंग की दाढ़ी में नजर आए थे। उन्होंने टी शर्ट के ऊपर चेक वाली जैकेट और जींस पहनी थी। सलमान का ये लुक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं सलमान खान के बाद फिल्म में कैटरीना कैफ का लुक भी रिवील हुआ। कैटरीना कैफ खुले बालों में बिना मेकअप के नजर आई थी। उन्होंने काले रंग की हुडी और जींस पहन रखी थी। बता दें टाइगर यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग तुर्की में होगी। इसके अलावा 5 अलग अलग देश इंटरनेशनल में भी शूट किए जाएंगे। मुंबई में इस फिल्म की 45 दिनों की शूटिंग कोरोना लॉकडाउन से पहले की गई थी। इसमें ज्यादातर सीन सलमान ने शूट किए थे। इसके बाद इसका अगला शेड्यूल रूस में शूट किया जा रहा है। फिल्म में इमरान हाशमी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट बने हैं, जो भारतीय जासूस सलमान खान से टक्कर लेगा।
टाइगर फ्रेंचाइजी एक स्पाई फिल्मों की सीरीज है जिसका पहला पार्ट एक था टाइगर 2012 में आया था। इसका डायरेक्शन कबीर खान ने किया था। पहली फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा रिलीज किया। इसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया। 2012 में आई एक था टाइगर और साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर ने जहां 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, वहीं 5 साल बाद 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने 339 करोड़ का बिजनेस किया था। सलमान खान टाइगर 3 के अलावा जल्दी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ और शाहरुख खान की पठान फिल्म में नजर आने वाले हैं। वेल, आपको कैसा लगा सलमान खान का लुक? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी तीनों ही निगेटिव रोल में दिखने वाले हैं टाइगर 3 में? किसने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है और उम्मीद है कि ये सच हो जाए? कौन करने वाला है टाइगर 3 का निर्देशन? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 के और उसकी कुछ ऐसी बातों में जो आपको शायद नहीं पता होगी। उन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वैसे आपको बता दें कि टाइगर 3 बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म और बहुत ही बॉलीवुड में बज वाली फिल्म बन गई है, जिसमें काम करने वाले हैं इमरान हाशमी, सलमान खान और साथ ही साथ कैटरीना कैफ। सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही हमें एज एजेंट दिखाई पड़ते हैं टाइगर की इस फ्रेंचाइजी पर। अब अगर बात हमें इमरान हाशमी की करें तो इमरान हाशमी ने यश राज प्रोडक्शंस के साथ इस फिल्म पर काम करने पर बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ? पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, जबकि मैंने इस फिल्म को लेकर आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें इमरान हाशमी काम करने वाले हैं, जैसा लोगों ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनके वर्कआउट सेशंस को देख के अज्यूम कर लिया था। जैसे ही टाइगर 3 की कास्ट का पता चला, और नहीं तो उसमें सिर्फ नाम आया था सलमान खान और साथ ही साथ उनके दिखने वाली थी हमें जो हमेशा से दिखती आई है कैटरीना कैफ। और जब इसको लेकर इमरान हाशमी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कभी इस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं और मुझे पता नहीं कि ये रूमर्स क्यों फैल रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये बहुत बड़ा सपना है कि वो सलमान खान के साथ काम करे और उम्मीद है कि ये सपना कभी ना कभी सच हो सकता है। अब आप बात करते हैं टाइगर 3 के बारे में, तो पहले टाइगर की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो एक था टाइगर जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसमें देखते हैं सलमान खान टाइगर कोडवर्ड के एक एजेंट के रूप में, जिनको एक पाकिस्तानी एजेंट जिनका नाम रहता है जोया, जिनका भूमिका निभा रही होती है कैटरीना कैफ, उनसे प्यार हो जाता है। 2017 में आती है एक और फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी की जिसका नाम है टाइगर जिंदा है, जिसमें हमें दिखाई पड़ती है जोया इराक के आतंकवादी संगठनों से बंधे हुए कुछ लोगों को बचाते हुए। ऐसा कहा जाता है कि 2014 की जो फिल्म है एक था टाइगर, वो एक असली घटना पर प्रेरित होकर फिर बनाई गई थी। अब बात करें इस फिल्म की तो इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ सकता है, जिसमें दोनों ही एजेंट के रूप में दिखाई पड़ने वाले हैं। और अब फिल्म की स्टोरी क्या और कैसी होगी ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऐसा है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ, और इमरान हाशमी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पे हमने देखा था कि टाइगर के फर्स्ट पार्ट को शूट किया गया था अहमद खान ने, तो वहीं हमने देखा था सेकंड पार्ट को शूट किया था अली अब्बास जफर ने, और अब ऐसा आ रहा है कि इसके थर्ड पार्ट को शूट करने जा रहे हैं मनीष शर्मा। तीनों के ही डायरेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन तीनों की स्टोरीज काफी अच्छी होने वाली है, ऐसा तो हमको लगता ही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा। इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट सीन शूट करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कर रहे हैं सलमान खान कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कंप्लीट। इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी सारे फैंस आए थे उस एरिया में। सलमान के कई फैन पेजेस ने उनकी और कैटरीना की तस्वीरें भी शेयर की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान अब फाइनली बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइगर 3 के लिए खास तौर पर निर्वाण खान ने टेक्निकल चीजों के अलावा और भी कई चीज सीखी है, जैसे कि सेट आखिर कैसे डिजाइन किया जाता है, किस किस के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इन तमाम बातों पर निर्वाण खास ध्यान दे रहे हैं।
दोस्तों ये फिल्म जब मुंबई में शूट किया जा रहा था तो उस दौरान कोविड की वजह से इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब फाइनली इसकी आगे पार्ट की शूटिंग जो है वो रशिया में कंप्लीट हो रही है। मुंबई में एक तरफ कोविड महामारी तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से फिल्म के शूटिंग लोकेशन पर खासा दिक्कतें आई थी और इतना ही नहीं फिल्म यूनिट को करीब 1 से 9 करोड़ का लॉस भी हो गया था क्योंकि फिल्म का सेट पूरी तरीके से तबाह हो गया था। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म को जितना भी लॉस हुआ है वो सब कुछ पे बैक हो जाए टाइगर 3 के सक्सेस के बाद। इस फिल्म के लिए शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला है और इसकी कंफर्मेशन खुद इमरान हाशमी ने दी है। हालांकि उन्होंने ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कहा कि मेरी अपकमिंग फिल्म क्या होने वाली है और मैं कैसा किरदार निभाता हूँ ये ऑडियंस को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब निश्चित तौर पर इमरान हाशमी पूरी तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे या फिर नहीं? और अगर वो नजर नहीं आती हैं तो फिर कौन दिखेंगे टाइगर 3 में विलेन के रूप में, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। रिलीज होने जा रही है टाइगर 3। इमरान हाशमी की बॉडी देखकर फैंस क्यों बोले सलमान भाई पिटने वाले? क्या होने वाली है टाइगर 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जार। दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान की टाइगर 3 काफी जोरों से शूट मोड पर ऑन है। इस फिल्म के लिए सभी सितारे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि काफी जल्दी इस फिल्म के विलन यानी कि सलमान खान को किसके साथ अपना बॉन्ड शेयर करना था कि उनको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ा? फिर टाइगर 3 का निर्देशन कौन कर रहा है? और साथ ही साथ के लीक हुई फोटोज में सलमान खान की सलमान खान और इमरान खान दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं उन सारे पोस्ट में। चाचा भतीजा @NirvanKhan15 ऐसा कैप्शन लिख के सलमान खान ने एक प्यारी सी तस्वीर निर्माण और अपने साथ उनकी पोस्ट की है जिसमें दोनों ही एक रोड पर चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें जो पिक्चर सलमान खान की लीक हुई थी जिसमें वो बड़ी दाढ़ी और बड़ी पूंछ में नजर आ रहे हैं, उस फिल्म में भी निर्माण खान उनके आसपास ही नजर आ रहे थे। खैर आप टाइगर 3 की स्टोरी लाइन्स की बात करें तो आपको बता दें कि टाइगर 3 को सबसे पहले कबीर खान यानी कि 2012 में एक द टाइगर फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फिल्म को उन्होंने निर्माता किया था। फिर बाद में टाइगर जिंदा है ऐसा 2017 में सलमान खान की एक और फिल्म आई थी। अब जब टाइगर 3 आने वाली है जिसमें सलमान खान एज अ एजेंट दिखाई पड़ने वाले हैं और सोया जिनका रोल निभा रही है कैटरीना कैफ वो ISI एजेंट के रूप में अपने किरदार दोहराते हुए नजर आने वाले हैं दोनों ही लोग टाइगर 3 में। इसकी स्टोरी लाइन भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जैसे कि बाकी फिल्मों की रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार कुछ अलग तो रहने ही वाला है फिल्म। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी अफवाहें फैल रही थी कि इस फिल्म में जो दिखने वाले हैं विलेन के रूप में इमरान हाशमी, जिन्होंने इस अफवाह को लेकर झूठा साबित कर दिया है और कहा कि वो तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए कभी गए भी नहीं थे पर वो बिल्कुल खुश मिजाज होते अगर उनको इस फिल्म के लिए चुना जाता था। खैर ये सब तो रही बात की बातें, आपको इसके बारे में जल्दी ही फिर से बताएंगे कि इस फिल्म में विलेन कौन होने वाला है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि बॉलीवुड की हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ आपको दिन ब दिन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी। टाइगर फिल्म सीरीज एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर स्पाई फिल्म सीरीज है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ लीड एक्टर्स के रूप में नजर आते हैं और इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। टाइगर फिल्म सीरीज के राइटर कबीर खान और निलेश मिश्रा हैं। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस की गई है और यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा इस फिल्म फ्रेंचाइजी को लॉन्च किया गया था। टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट यानी कि एक था टाइगर 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और इसके बाद फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि एक था टाइगर को एक फिल्म सीरीज के रूप में बनाया जा सकता है जिसका नाम टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी रखा गया। फिर 5 साल बाद 2017 में
टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का दूसरा इंस्टॉलमेंट टाइगर जिंदा है रिलीज किया गया और ये फिल्म भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर गई। अब कहा जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2022 में टाइगर 3 रिलीज होने वाली है, जो कि इस फिल्म सीरीज का तीसरा और आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं टाइगर 3 पर क्या नई अपडेट्स आई हैं। अभी हाल ही में ये खबर आई है कि अगस्त 2021 के महीने से ही टाइगर 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सलमान खान और कटरीना कैफ इस बार भी टाइगर 3 में जबरदस्त एजेंट का रोल निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहां सलमान हमें इंडिया के रॉ एजेंट के रूप में नजर आएंगे, वहीं कटरीना पाकिस्तानी ISI एजेंट के रूप में ही नजर आएंगी। फिर एक बार टाइगर फिल्म सीरीज का आगाज हो चुका है और जिस तरीके से फैंस को एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है पसंद आई थी, लगता है कि टाइगर 3 इन दोनों फिल्मों से ज्यादा बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाली है। टाइगर 3 से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि हम इसकी शूटिंग लोकेशन के बारे में आपको बताएंगे उस वीडियो में। लेकिन टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए ये खबर थोड़ी दुखदायी भी हो सकती है, क्योंकि टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी जो कि एक फिल्म ट्रायलॉजी के रूप में आने वाली थी, अब फिल्म का तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है और तीसरा पार्ट ही टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का आखिरी इंस्टॉलमेंट भी होगा। यानी कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और कटरीना कैफ को एजेंट के रूप में ये आखिरी बार ही हम देख पाएंगे और टाइगर फिल्म की इंस्टॉलमेंट्स नहीं बन। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। जुलाई को सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के कुछ मजेदार बातें। सलमान खान और कटरीना कैफ ने अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 की एक साथ शूटिंग शुरू कर दी है, जो इस समय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में इमरान हाशमी खलनायक के रूप में नजर आएंगे, वहीं शाहरुख खान का एक कैमियो भी होगा। जी हां दोस्तों, शूटिंग में किसी भी फोटो या वीडियो को लीक होने से बचाने के लिए फिल्म का डिस्क्रिप्शन गुप्त रखा गया है और सेट के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट मिली है कि फिल्म के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि टाइगर 3 का नया शेड्यूल या राज फिल्म स्टूडियो में शुरू हो गया है। ये एक बारीकी से प्रोडक्ट सेट है और यहाँ से किसी की तस्वीर के लीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस शेड्यूल के साथ साथ अगस्त के मध्य से शुरू होने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव विदेशी शेड्यूल में सलमान और कटरीना को फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन दोनों अभिनेताओं के लिए ये इंटेंस होगा, क्योंकि निर्देशक मनीष शर्मा ने कुछ जॉ ड्रॉपिंग और साथ ही साथ बेहद जोखिम भरे एक्शन दृश्यों की योजना बनाई है, जो वास्तव में उनके ओवरऑल फिटनेस लेवल का टेस्ट करेंगे जब वे अपना विदेशी कार्यक्रम शुरू करेंगे। बेशक सलमान और कटरीना इसके लिए तैयार हैं और किसी भी चुनौती का सामना करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये एक मजेदार शेड्यूल होगा। सूत्र ने यह भी कहा कि सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर टाइगर 3 में अपनी फिजिक को मेंटेन करने की एक तस्वीर शेयर की और यह क्लियर किया कि वह अब तक स्क्रीन पर दिखाए गए सबसे अच्छी फिजिक का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर कटरीना इस समय कितनी अच्छी दिख रही है, इस बारे में शायद ही प्रिपरेशन की जरूरत होगी। इसका भी एक कारण है, उन्होंने अपने सबसे फिट होने के लिए काफी मेहनत की है और लोगों को उन्हें स्क्रीन पर सबसे फिट देखने के लिए इंतजार करना होगा जब टाइगर 3 रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ 18 अगस्त को जासूसी थ्रिलर यानी कि टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग के लिए रूस भी जाएंगे, जिसे पहले महामारी के कारण पहले रोक दिया गया था। 45 डेज का कठिन कार्यक्रम एक्शन सीन से भरा हुआ है और सलमान खान और कटरीना कैफ ऑस्ट्रिया और तुर्की सहित कम से कम 5 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में शूटिंग करेंगे। महामारी को देखते हुए YRF के मालिक आदित्य चोपड़ा एक जंबो चार्टर के माध्यम से कलाकारों और चालक दल को भेज रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि अर्शाद सलमान खान, कटरीना कैफ, डायरेक्टर मनीष शर्मा, पूरी कास्ट और क्रू सहित सभी के लिए इस इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए जेट किराए पर ले रहा है और साथ ही साथ जो टीम कुछ शानदार शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने में मदद करेगी। खैर, आप टाइगर 3 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तब तक यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म टाइगर 3 से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में और उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए।
तो आपको बता दें कि टाइगर फ्रेंचाइजी सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही है, जहाँ पे हमने देखा था पहले पार्ट को इतना क्रॉस बॉर्डर प्रेम दिखाया गया था, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही अलग अलग देश को बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उनकी लव स्टोरी काफी आगे तक बढ़ी थी। हमने देखा था कि उसके करीब करीब 4 सीन्स जो है वो बड़ी अच्छी जगहों पर शूट हुए थे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मेड इन टावर में शूट हुआ था, तो दूसरी जगह हम देखते हैं कि मॉडर्न टावर में भी इसका शूटिंग किया गया था। ये दोनों ही इतने बड़े पैलेसेस यूरोप के माने जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा हाई बजट थे, और इसलिए ये फिल्म भी काफी ज्यादा हाई बजट थी और बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी लोगों में। क्रॉस बॉर्डर्स मूवी वैसे भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन अब उसका बजट जब और बढ़ाया जाए तो वो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब ऐसे में जब हमने ये देखा कि अभी हाल ही में सलमान खान कहीं पे गए हुए थे अपनी शूटिंग पे, वहाँ पे यूरोप में कुछ ऐसी भीड़ जमा हो गई थी और शूटिंग लोकेशंस में भीड़ जमा होने के कारण उनके लुक लीक हो गए थे, जो कि फैंस को काफी पसंद आए थे। अब हमें ये देखना है कि क्या टर्की में सलमान खान जाते हैं, जहाँ पे उनकी टाइगर एक था टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि फिल्म टर्की में जाके शूट की जाए, जहाँ पे एक था टाइगर यानी कि टाइगर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट शूट की गई थी। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे हीरोज में से एक आते हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं और जिनका फैन बेस काफी ज्यादा बड़ा है। अब ऐसे में ब्लॉकबस्टर फिल्में लाना उनके लिए आम बात सी हो गई है, जहां हम ये देखते हैं कि सलमान खान हर साल एक न एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेके ही आते हैं अपने फैंस के लिए, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सलमान खान के फैंस अपने उनके भाईजान के लिए किस तरीके का वेट करते हैं और कितने इंटरेस्टिंग से उनकी सारी एक्टिंग्स को देखते हैं। अब ऐसे में सलमान खान टाइगर 3 ला रहे हैं, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि रशिया में ये हो रही थी इसकी शूटिंग। अब हम देखते हैं कि पूरी टीम सलमान खान के साथ जा पहुंची है टर्की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो जाने वाले हैं इस्तांबुल में। चौंका देने वाली बात तो ये होने वाली है कि इस्तांबुल में कैसे उनका फैन बेस दिख सकता है हमें, और साथ ही साथ उनके कुछ फ्रेंड्स जिनका नाम है लूलिया वो भी दिखाई पड़ सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उनके फ्रेंड्स जो है वो भी हमें दिखाई पड़ने वाले हैं इस्तांबुल। लूलिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें वो दिखाई पड़ रही थी एक शूटिंग पे, और उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है हैशटैग टर्की का भी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो टर्की पे ही है। एक्चुअली उस वीडियो पे उनका चेहरा नहीं दिख रहा होता है और वो उस वीडियो पे एक सीढ़ियां चढ़ती है और फिर बाद में वो दिखाती है अपने फैंस को एक व्यू जो कि दिख रहा होता है होटल के आसपास का, और हैशटैग टर्की यूज करने के बाद फैंस ने ये तो पता लगा ही लिया कि कैसे अनुमान हो रहा है और कहाँ पे वो जा रही है। खैर ये सब तो रही उनके फैंस की बात, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप हमारे फैन हैं, अगर हाँ तो यस लिख दीजिएगा साथ ही साथ उस वीडियो। कहाँ शूट की जा रही है आखिर टाइगर 3? क्या फितरत, इमरान हाशमी हमें नहीं दिखने वाले हैं इस बार टाइगर 3 में? कैटरीना कैफ किस किस्म की ट्रेनिंग ले रही है टाइगर 3 के लिए? दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हालांकि हमने फिल्म टाइगर 3 के बारे में पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है, जिसके लिए काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज के लिए काफी थैंक यू, बट आपके लिए अब हम कुछ नई खबरें लेकर आए हैं टाइगर 3 से रिलेटेड, तो उन सभी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। टाइगर 3 जिसकी हाल ही में काफी ज्यादा बज है बॉलीवुड में, वो बन ही रही है और इसकी शूटिंग का आगाज़ में हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर 3 की ज्यादातर शूटिंग लोकेशंस फॉरेन की होने वाली है, जिसमें अभी पूरी टीम रशिया गई हुई है इसकी शूटिंग के लिए। साथ ही साथ कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म ये टाइगर की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आए थे 2012 में जब इस फिल्म को बढ़ाया गया था। साथ ही साथ सलमान खान इस फिल्म में निभा रहे हैं अविनाश सिंह राठौड़ का रोल, जो कि एक रॉ के रूप में नजर आते हैं। वो कुछ मिशंस करते हुए हर साल नजर आते हैं, जिनके अपोजिट में रहती हुई इस बार दिखने वाली है हमें कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ रहने वाली है सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में। इमरान हाशमी के वर्कआउट वीडियोस जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाले थे, उसको देखकर सबको तो ऐसा लग ही गया था कि टाइगर 3 के एंटागोनिस्ट तो अब इमरान हाशमी ही होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए एक बात हम और लेकर आए हैं, और वो ये है कि इमरान हाशमी तो किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए ही तैयारी कर रहे थे, जिसका नाम है चेहरा, और उस फिल्म में दिखने वाले हैं उनके साथ हमें अमिताभ बच्चन, यानी कि बॉलीवुड के बिग बी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की फिल्म आ रही है चेहरा, जिसमें अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं एक लॉयर का
का रोल और साथ ही साथ हमें दिखने वाले हैं इमरान हाशमी इन द रोल ऑफ बिजनेस टाइकून। हमने पिंक के पहले या पिंक के बाद भी पहली बार ही देखने वाले हैं अमिताभ बच्चन को एक लॉयर के रूप में, और साथ ही में इसमें और भी नए एक्टर्स होने वाले हैं जैसे कि रिया चक्रवर्ती, अनु कपूर और साथ ही साथ क्रिस्टल डिसूजा। ये तीनों ही एक्टर्स एज अ सपोर्टिंग रोल्स इस फिल्म में और भी नजर आने वाले हैं। जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि उनके वर्कआउट वीडियोज के बारे में और साथ ही साथ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू में कि उन्हें तो टाइगर 3 की शूटिंग कर भी नहीं रहे हैं। उसको सुन के सबको काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लगा, और ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तो है ही। आखिर सबको यही लगा था कि वो टाइगर 3 में हमें नज़र आने वाले हैं एंटागोनिस्ट के रूप में। अब बात अगर कैटरीना कैफ और उनकी ट्रेनिंग की करें, तो कैटरीना कैफ काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रही हैं फिल्म टाइगर 3 के लिए, क्योंकि इस फिल्म में होने वाले हैं काफ़ी सारे एक्शन सीन्स और एक्शन सीक्वल्स, जिसको लेकर उनको काफ़ी तैयारी करनी पड़ रही है। वो अपनी रेगुलर ट्रेनर यास्मीन कराची वाला के साथ साथ साउथ कोरिया के एक नए क्रू के साथ भी ट्रेनिंग कर रही है। दोनों का ही रेजिमेन और काफ़ी अलग अलग ट्रेनिंग होने के कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग तो चल ही रही है। साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख के मटेरियल आज सीखना स्टार्ट कर रही हैं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप देख सकें हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ अबाउट बॉलीवुड। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि क्या आप सभी तैयार हैं टाइगर 3 के लिए। अगर हाँ तो यस कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। किसी भी फिल्म या किताब या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कहानी जानने में लोगों का इंटरेस्ट उभरता हो, उसके लिए उस पिक्चर या किताब का नाम काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर फिल्म का नाम अट्रैक्टिव ना हो या फिर अगर वो नाम ऑडियंस को पसंद ना आए, तो फिर उस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाने का इंटरेस्ट भी घटता ही रहता है। इसीलिए किसी भी मूवी के नाम को बड़े ध्यान से चुनना पड़ता है, और ऐसे ही कुछ दुविधा में है टाइगर 3 के मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 के नाम को लेकर अभी भी फिल्म के मेकर्स कंफ्यूजन में हैं, और इस पिक्चर के नाम पर अभी भी कोई पक्की खबर नहीं आई है। सबसे पहले फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि टाइगर 3 के नाम को द फाइनल मिशन रखा जाएगा। फाइनल मिशन इसलिए क्योंकि ये पिक्चर टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट होने वाली थी, जिसके बाद टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के और पार्ट्स नहीं बनेंगे। लेकिन ये नाम सुनने में हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है, और टाइगर फिल्म सीरीज के एक भी नाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि द फाइनल मिशन टाइगर 3 के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, और इसीलिए नाम दूसरा सोचना पड़ेगा। फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस की राय लेनी चाहिए और उनसे पूछा गया कि फिल्म का नाम क्या होना चाहिए। तब काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताया कि टाइगर 3 का नाम होना चाहिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। ये सुनने में थोड़ा फनी तो लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल सही है। टाइगर फिल्म सीरीज में सबसे पहली फिल्म का नाम था एक था टाइगर, जिसमें हर मुश्किल का मुकाबला करने के बाद भी टाइगर को कुछ नहीं हुआ। टाइगर फिल्म सीरीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम था टाइगर जिंदा है, जहां सलमान खान यानी कि टाइगर मरने की कगार पर खड़े थे, लेकिन मौत के मुंह से भी बाहर निकल आए। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि टाइगर हर मुश्किल मिशन से बचकर निकल आएगा, यानी कि टाइगर कभी भी मर नहीं सकता। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन ये नाम सुनने में कुछ खास नहीं लग रहा। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया कि टाइगर 3 का नाम टाइगर अमर है रखा जाएगा। हालांकि फिल्म के नाम का मतलब तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये टाइटल सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। जहां टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा सुनने में काफी घिसा पिटा लग रहा है, इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने सोचा है कि टाइगर अमर है का चटका लिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। आज फिर हाजिर हूं मैं यानी आपकी होस्ट सिमरन ग्रोवर बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ ताजा अपडेट्स के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और बॉलीवुड डीवा कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। सलमान खान और कटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद मेकर्स तैयार है इसका तीसरा पार्ट यानी टाइगर 3 बनाने को। टाइगर 3 के बनने की खबरें जैसे ही ऑन द फ्लोर आई हैं, वैसे ही ऑडियंस बेहद एक्साइटेड हो चुकी है अपने फेवरेट पेयर सलमान खान और कटरीना कैफ को एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए।
खबर है कि टाइगर 3 की लीड एक्ट्रेस कटरीना कैफ जोरों शोरों से वर्कआउट कर रही है और स्क्वाट्स, जंपिंग और कुछ एक्शन मूव्स की ट्रेनिंग भी ले रही है। फिल्म टाइगर 3 को लेकर कटरीना इतनी मेहनत कर रही है, ऐसे में अंदाजा है कि फिल्म टाइगर 3 में कटरीना कैफ कुछ एक्शन सीन्स भी करती हुई नजर आ सकती है। कटरीना के फैंस उनको एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि बॉलीवुड की ब्यूटी किंग कही जाने वाली कटरीना कैफ इंडिया से नहीं है और ना ही इंडियन है। कटरीना के पास ब्रिटिश की नागरिकता है और आपको बता दें कि उनका जन्म हांगकांग में हुआ था। दरअसल कटरीना की माँ की एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है और वो कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्थानों से जुड़ी थी और उनसे जुड़े कामों से कई अलग अलग देशों में रही है, जिसकी वजह से कटरीना भी कई देशों में रही है। और हाँ, ये ख्याल तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि आखिर सलमान खान और कटरीना कैफ पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे, तो हम हाजिर हैं इस जवाब के साथ। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि जब वो कटरीना कैफ से पहली बार मिले थे तो वो महज 18 साल की थी। सलमान की फैमिली ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था और कटरीना उनके घर पार्टी के लिए गई थी। सलमान ने बताया कि कटरीना सलमान की बहनों को और सलमान के दोस्तों को जानती थी पर उन्हें नहीं जानती थी। उस पार्टी में ही सलमान खान और कटरीना कैफ की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई और जान पहचान हुई। सलमान खान और कटरीना कैफ टाइगर 3 में फिर साथ में काम करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, टाइगर 3 अगले साल यानी 2022 में रिलीज होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको पता था कि कटरीना और सलमान पहली बार कब मिले थे, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक लल तक क्या होने वाली फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान के साथ पहली बार नजर आने वाले हैं इमरान हाशमी और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। आपको बता दें, इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत करने से वो आज तक बचते आए हैं। लेकिन अब इमरान हाशमी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपने नेगेटिव किरदार के बारे में कहा है। इसके अलावा खबर थी कि इस फिल्म में उनकी एंट्री पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इमरान हाशमी इस दौरान बॉलीवुड हंगामा से बात कर रहे थे। उन्होंने टाइगर 3 को लेकर कहा कि मैंने इन सब बातों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सब कर रहा हूँ। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि सलमान के सामने एक विलन के तौर पर लोग आपको क्यों देखना चाहते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। इमरान हाशमी का ये बयान काफी चर्चा में है। फैंस का कहना है कि वो काफी बड़ा धमाका करने वाले हैं, इस फिल्म में जो भी होगा वो देखने लायक होगा। इमरान हाशमी अपने करियर में पहली बार इतनी बिग बजट फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। खबर आई थी कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी एक से बढ़कर एक अलग तरह के लुक में नजर आने वाले हैं। इस एक्शन जासूसी फिल्म में इमरान हाशमी का विलन लुक लार्जर देन लाइफ दिखाया जाएगा। इमरान हाशमी पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, वो भी आमने सामने होंगे। और वहीं आपको बता दें, इमरान हाशमी का जो किरदार होने वाला है वो उस तरह से लिखा गया है कि स्क्रीन पर जब आएगा तो लंबे समय तक लोगों के दिलों दिमाग में याद रहेगा। वहीं निर्माता आदित्य चोपड़ा ने टाइगर 3 का जो बजट भी रखा है वो हाईफाई है। 350 करोड़ का बजट इस फिल्म का है। ज्यादातर पैसे एक्शन सीन और हाई शूटिंग लोकेशन पर खर्च किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों के बीच तीसरा नंबर रखती है। इस फिल्म ने 340 करोड़ की कमाई की। टाइगर 3 की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वर्ल्ड फिल्म की बात करें तो सलमान इस वक्त किक 2, भाईजान और ब्लैक टाइगर को लेकर चर्चाओं में है। फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग रशिया में कर रहे हैं, काफी बिजी है। सलमान के लुक्स फैंस के सामने आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। दोस्तों, सलमान खान फिलहाल रूस में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। सलमान और कैटरीना रूस में करीब करीब एक महीने तक रुककर शूटिंग पूरी करने का प्लान करेंगे। इस बीच शूटिंग से फुर्सत मिलते ही सलमान वक्त निकाल कर घूमने निकल गए। सलमान ने रूस की सड़कों पर कई फैंस से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचाई, जहाँ एक फोटो में सलमान एक बच्ची के साथ पोज देते दिख रहे हैं, वहीं एक और फोटो में वो एक आदमी के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान की तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। इन फोटोज में सलमान के चेहरे पर काफी झुर्रियां दिख रही हैं। सलमान की फोटोज देख एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, ये तो बिल्कुल बूढ़े दिखने लगे हैं। वहीं इसके अलावा एक और यूजर ने कहा,
सलमान को अब डैडी के रोल शुरू कर देने चाहिए। एक अन्य शख्स कहता है, हाय रब्बा, ये सलमान को क्या हो गया। वहीं कुछ लोग सलमान के साथ फोटो खिंचा रहे एक फैन को श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा, ये तो बिल्कुल श्रद्धा कपूर लग रही हैं। एक और शख्स ने कहा, सलमान से ज्यादा तो उनके फैंस लग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान का लुक सामने आया। इस लुक में सलमान लंबे बालों के साथ भूरे रंग की दाढ़ी में नजर आए थे। उन्होंने टी शर्ट के ऊपर चेक वाली जैकेट और जींस पहनी थी। सलमान का ये लुक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं सलमान खान के बाद फिल्म में कैटरीना कैफ का लुक भी रिवील हुआ। कैटरीना कैफ खुले बालों में बिना मेकअप के नजर आई थी। उन्होंने काले रंग की हुडी और जींस पहन रखी थी। बता दें टाइगर यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग तुर्की में होगी। इसके अलावा 5 अलग अलग देश इंटरनेशनल में भी शूट किए जाएंगे। मुंबई में इस फिल्म की 45 दिनों की शूटिंग कोरोना लॉकडाउन से पहले की गई थी। इसमें ज्यादातर सीन सलमान ने शूट किए थे। इसके बाद इसका अगला शेड्यूल रूस में शूट किया जा रहा है। फिल्म में इमरान हाशमी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट बने हैं, जो भारतीय जासूस सलमान खान से टक्कर लेगा। टाइगर फ्रेंचाइजी एक स्पाई फिल्मों की सीरीज है, जिसका पहला पार्ट एक था टाइगर 2012 में आया था। इसका डायरेक्शन कबीर खान ने किया था। पहली फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा रिलीज किया। इसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया। 2012 में आई एक था टाइगर और साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर ने जहां 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वहीं 5 साल बाद 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने 339 करोड़ का बिजनेस किया था। सलमान खान टाइगर 3 के अलावा जल्दी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ और शाहरुख खान की पठान फिल्म में नजर आने वाले हैं। वेल, आपको कैसा लगा सलमान खान का लुक? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी तीनों ही निगेटिव रोल में दिखने वाले हैं टाइगर 3 में? किसने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है और उम्मीद है कि ये सच हो जाए? कौन करने वाला है टाइगर 3 का निर्देशन? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 के और उसकी कुछ ऐसी बातों में जो आपको शायद नहीं पता होगी। उन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वैसे आपको बता दें कि टाइगर 3 बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म और बहुत ही बॉलीवुड में बज वाली फिल्म बन गई है, जिसमें काम करने वाले हैं इमरान हाशमी, सलमान खान और साथ ही साथ कैटरीना कैफ। सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही हमें एज एजेंट दिखाई पड़ते हैं टाइगर की इस फ्रेंचाइजी पर। अब अगर बात हम इमरान हाशमी की करें तो इमरान हाशमी ने यशराज प्रोडक्शंस के साथ इस फिल्म पे काम करने पर बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ? पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, जबकि मैंने इस फिल्म को लेकर आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें इमरान हाशमी काम करने वाले हैं, जैसा लोगों ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनके वर्कआउट सेशंस को देख के अज्यूम कर लिया था। जैसे ही टाइगर 3 के कास्ट का पता चला, और नहीं तो उसमें सिर्फ नाम आया था सलमान खान और साथ ही साथ उनके दिखने वाली थी हमें जो हमेशा से दिखती आई है कैटरीना कैफ। और जब इसको लेकर इमरान हाशमी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कभी इस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं और मुझे पता नहीं कि ये रूमर्स क्यों फैल रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये बहुत बड़ा सपना है कि वो सलमान खान के साथ काम करे और उम्मीद है कि ये सपना कभी ना कभी सच हो सकता है। अब आप बात करते हैं टाइगर 3 के बारे में, तो पहले टाइगर की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो एक था टाइगर जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसमें देखते हैं सलमान खान टाइगर कोडवर्ड के एक एजेंट के रूप में, जिनको एक पाकिस्तानी एजेंट जिनका नाम रहता है जोया, जिनका भूमिका निभा रही होती है कैटरीना कैफ, उनसे प्यार हो जाता है। 2017 में आती है एक और फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी की, जिसका नाम है टाइगर जिंदा है, जिसमें हमें दिखाई पड़ती है जोया इराक के आतंकवादी संगठनों से बंधे हुए कुछ लोगों को बचाते हुए। ऐसा कहा जाता है कि 2014 की जो फिल्म है एक था टाइगर, वो एक असली घटना पर प्रेरित होकर फिर बनाई गई थी। अब बात करें इस फिल्म की तो इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ सकता है, जिसमें दोनों ही एजेंट के रूप में दिखाई पड़ने वाले हैं। और अब फिल्म की स्टोरी क्या और कैसी होगी ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऐसा है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ, और इमरान हाशमी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पे हमने देखा था कि टाइगर के फर्स्ट पार्ट को शूट किया गया था अहमद खान ने, तो वहीं हमने देखा था सेकंड पार्ट को शूट किया था अली अब्बास जफर ने। और अब ऐसा आ रहा है कि इसके थर्ड पार्ट को शूट करने जा रहे हैं मनीष शर्मा।
तीनों के ही डायरेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन तीनों की स्टोरीज काफी अच्छी होने वाली है, ऐसा तो हमको लगता ही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी। इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट सीन शूट करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कर रहे हैं सलमान खान कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कम्प्लीट। इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी सारे फैंस आए थे उस एरिया में। सलमान के कई फैन पेजेस ने उनकी और कैटरीना की तस्वीरें भी शेयर की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान अब फाइनली बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइगर 3 के लिए खास तौर पर निर्वाण खान ने टेक्निकल चीजों के अलावा और भी कई चीज सीखी है, जैसे कि सेट आखिर कैसे डिजाइन किया जाता है, किस किस के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इन तमाम बातों पर निर्वाण खास ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म जब मुंबई में शूट किया जा रहा था तो उस दौरान कोविड की वजह से इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब फाइनली इसकी आगे पार्ट की शूटिंग जो है वो रशिया में कंप्लीट हो रही है। मुंबई में एक तरफ कोविड महामारी तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से फिल्म के शूटिंग लोकेशन पर खासा दिक्कतें आई थी, और इतना ही नहीं फिल्म यूनिट को करीब 1-9 करोड़ का लॉस भी हो गया था, क्योंकि फिल्म का सेट पूरी तरीके से हो गया था। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म को जितना भी लॉस हुआ है वो सब कुछ पे बैक हो जाए टाइगर 3 के सक्सेस के बाद। इस फिल्म के लिए शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला है और इसकी कंफर्मेशन खुद इमरान हाशमी ने दी है। हालांकि उन्होंने ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कहा कि मेरी अपकमिंग फिल्म क्या होने वाली है और मैं कैसा किरदार निभाता हूँ ये ऑडियंस को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब निश्चित तौर पर इमरान हाशमी पूरी तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे या फिर नहीं? और अगर वो नजर नहीं आती हैं तो फिर कौन दिखेंगे टाइगर 3 में विलेन के रूप में? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। कब रिलीज होने जा रही है टाइगर 3? इमरान हाशमी की बॉडी देखकर फैंस क्यों बोले सलमान भाई पिटने वाले? क्या होने वाली है टाइगर 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की टाइगर 3 काफी जोरों से शूट मोड पर ऑन है। इस फिल्म के लिए सभी सितारे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि काफी जल्दी इस फिल्म के विलन यानी कि इमरान हाशमी उड़ान भरते नजर आएंगे तुर्की जाकर वो इस फिल्म की साथ। सलमान खान को किसके साथ अपना बॉन्ड शेयर करना था कि उनको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ा? फिल्म टाइगर 3 का निर्देशक कौन कर रहा है? और ऐसा लगता है कि दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा शांत है। इंस्टाग्राम के उस पोस्ट पर ऐसा देख के लग रहा है कि दोनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रह रहा है एक के साथ, यानी कि सलमान खान और निर्वाण खान दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं उन सारे पोस्ट में। चाचा भतीजा @NirvanKhan15 ऐसा कैप्शन लिख के सलमान खान ने एक प्यारी सी तस्वीर निर्वाण खान और अपने साथ उनकी पोस्ट की है, जिसमें दोनों ही एक रोड पर चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें जो पिक्चर सलमान खान की लीक हुई थी जिसमें वो बड़ी दाढ़ी और बड़ी पूंछ में नजर आ रहे हैं, उस फिल्म में भी निर्वाण खान उनके आसपास ही नजर आ रहे थे। खैर, आप टाइगर 3 की स्टोरी लाइन की बात करें तो आपको बता दें कि टाइगर 3 को सबसे पहले कबीर खान यानी कि 2012 में एक था टाइगर फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फिल्म को उन्होंने निर्माता किया था। फिर बाद में टाइगर जिंदा है ऐसा 2017 में सलमान खान की एक और फिल्म आई थी। अब जब टाइगर 3 आने वाली है जिसमें सलमान खान एज अ एजेंट दिखाई पड़ने वाले हैं और सोया जिनका रोल निभा रही है कैटरीना कैफ वो ISI एजेंट के रूप में अपने किरदार दोहराते हुए नजर आने वाले हैं दोनों ही लोग टाइगर 3 में। इसकी स्टोरी लाइन भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जैसे कि बाकी फिल्मों की रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार कुछ अलग तो रहने ही वाला है फिल्म। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी अफवाहें फैल रही थी कि इस फिल्म में जो दिखने वाले हैं विलेन के रूप में इमरान हाशमी, जिन्होंने इस अफवाह को लेकर झूठा साबित कर दिया है और कहा कि वो तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए कभी गए भी नहीं थे, पर वो बिल्कुल खुश मिजाज होते अगर उनको इस फिल्म के लिए चुना जाता था। खैर, ये सब तो रही बात की बातें, आपको इसके बारे में जल्दी ही फिर से बताएंगे कि इस फिल्म में विलेन कौन होने वाला है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि बॉलीवुड की हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ आपको दिन ब दिन मिलती रहे।
नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। टाइगर फिल्म सीरीज एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर स्पाई फिल्म सीरीज है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ लीड एक्टर्स के रूप में नजर आते हैं और इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। टाइगर फिल्म सीरीज के राइटर कबीर खान और निलेश मिश्रा हैं। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस की गई है और यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा इस फिल्म फ्रेंचाइजी को लॉन्च किया गया था। टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट यानी कि एक था टाइगर 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और इसके बाद फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि एक था टाइगर को एक फिल्म सीरीज के रूप में बनाया जा सकता है जिसका नाम टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी रखा गया। फिर 5 साल बाद 2017 में टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का दूसरा इंस्टॉलमेंट टाइगर जिंदा है रिलीज किया गया और ये फिल्म भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर गई। अब कहा जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2022 में टाइगर 3 रिलीज होने वाली है जो कि इस फिल्म सीरीज का तीसरा और आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं टाइगर 3 पर क्या नई अपडेट्स आई हैं। अभी हाल ही में ये खबर आई है कि अगस्त 2021 के महीने से ही टाइगर 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सलमान खान और कटरीना कैफ इस बार भी टाइगर 3 में जबरदस्त एजेंट का रोल निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहां सलमान हमें इंडिया के रॉ एजेंट के रूप में नजर आएंगे, वहीं कटरीना पाकिस्तानी ISI एजेंट के रूप में ही नजर आएंगी। फिर एक बार टाइगर फिल्म सीरीज का आगाज हो चुका है और जिस तरीके से फैंस को एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है पसंद आई थी, लगता है कि टाइगर 3 इन दोनों फिल्मों से ज्यादा बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाली है। टाइगर 3 से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि हम इसकी शूटिंग लोकेशन के बारे में आपको बताएंगे उस वीडियो में। लेकिन टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए ये खबर थोड़ी दुखदायी भी हो सकती है क्योंकि टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी जो कि एक फिल्म ट्रायलॉजी के रूप में आने वाली थी, अब फिल्म का तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है और तीसरा पार्ट ही टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का आखिरी इंस्टॉलमेंट भी होगा। यानी कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और कटरीना कैफ को एजेंट के रूप में ये आखिरी बार ही हम देख पाएंगे और टाइगर फिल्म की इंस्टॉलमेंट्स नहीं बन। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। जुलाई को सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के कुछ मजेदार बातें। सलमान खान और कटरीना कैफ ने अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 की एक साथ शूटिंग शुरू कर दी है जो इस समय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में इमरान हाशमी खलनायक के रूप में नजर आएंगे, वहीं शाहरुख खान का एक कैमियो भी होगा। जी हां दोस्तों, शूटिंग में किसी भी फोटो या वीडियो को लीक होने से बचाने के लिए फिल्म का डिस्क्रिप्शन गुप्त रखा गया है और सेट के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट मिली है कि फिल्म के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है कि टाइगर 3 का नया शेड्यूल यशराज फिल्म स्टूडियो में शुरू हो गया है। ये एक बारीकी से प्रोटेक्टेड सेट है और यहाँ से किसी की तस्वीर के लीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। शेड्यूल के साथ साथ अगस्त के मध्य से शुरू होने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव विदेशी शेड्यूल में सलमान और कटरीना को फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन दोनों अभिनेताओं के लिए ये इंटेंस होगा क्योंकि निर्देशक मनीष शर्मा ने कुछ जॉ ड्रॉपिंग और साथ ही साथ बेहद जोखिम भरे एक्शन दृश्य की योजना बनाई है जो वास्तव में उनके ओवरऑल फिटनेस लेवल का टेस्ट करेंगे जब वे अपना विदेशी कार्यक्रम शुरू करेंगे। बेशक सलमान और कटरीना इसके लिए तैयार हैं और किसी भी चुनौती का सामना करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये एक मजेदार शेड्यूल होगा। सूत्र ने यह भी कहा कि सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर टाइगर 3 में अपनी फिजिक को मेंटेन करने की एक तस्वीर शेयर की और यह क्लियर किया कि वह अब तक स्क्रीन पर दिखाए गए सबसे अच्छी फिजिक का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर कटरीना इस समय कितनी अच्छी दिख रही है इस बारे में शायद ही कोई रिफ्लेक्शन की जरूरत होगी। इसका भी एक कारण है, उन्होंने अपने सबसे फिट होने के लिए काफी मेहनत की है और लोगों को उन्हें स्क्रीन पर सबसे फिट देखने के लिए इंतजार करना होगा जब टाइगर 3 रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ 18 अगस्त को जासूसी थ्रिलर यानी कि टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग के लिए रूस भी जाएंगे जिसे पहले महामारी के कारण पहले रोक दिया गया था। 45 डेज का कठिन कार्यक्रम एक्शन सीन से भरा हुआ है और सलमान खान और कटरीना कैफ ऑस्ट्रिया और तुर्की सहित कम से कम 5 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में शूटिंग करेंगे। महामारी को देखते हुए YRF के मालिक आदित्य चोपड़ा एक जंबो चार्टर के माध्यम से कलाकारों और चालक दल को भेज रहे हैं।
एक सूत्र ने कहा कि यश राज, सलमान खान, कटरीना कैफ, डायरेक्टर मनीष शर्मा, पूरी कास्ट और क्रू सहित सभी के लिए इस इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए जेट किराए पर ले रहा है और साथ ही साथ जो टीम कुछ शानदार शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने में मदद करेगी। खैर, आप टाइगर 3 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉडीग्रैड स्टूडियोज। तब तक यूट्यूब चैनल बॉडीग्रैड स्टूडियोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म टाइगर 3 से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में और उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आपको बता दें कि टाइगर फ्रेंचाइजी सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही है, जहाँ पे हमने देखा था पहले पार्ट को इतना क्रॉस बॉर्डर प्रेम दिखाया गया था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही अलग अलग देश को बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उनकी लव स्टोरी काफी आगे तक बढ़ी थी। हमने देखा था कि उसके करीब करीब 4 सीन्स जो है वो बड़ी अच्छी जगहों पर शूट हुए थे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मेडन टावर में शूट हुआ था, तो दूसरी जगह हम देखते हैं कि मॉडर्न टावर में भी इसका शूटिंग किया गया था। ये दोनों ही इतने बड़े पैलेसेस यूरोप के माने जाते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई बजट थे और इसलिए ये फिल्म भी काफी ज्यादा हाई बजट थी और बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी लोगों में। क्रॉस बॉर्डर्स मूवी वैसे भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन अब उसका बजट जब और बढ़ाया जाए तो वो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब ऐसे में जब हमने ये देखा कि अभी हाल ही में सलमान खान कहीं पे गए हुए थे अपनी शूटिंग पे, वहाँ पे यूरोप में कुछ ऐसी भीड़ जमा हो गई थी और शूटिंग लोकेशंस में भीड़ जमा होने के कारण उनके लुक लीक हो गए थे जो कि फैंस को काफी पसंद आए थे। अब हमें ये देखना है कि क्या टर्की में सलमान खान जाते हैं जहाँ पे उनकी टाइगर 1 की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि फिल्म टर्की में जाके शूट की जाए जहाँ पे 1 था टाइगर यानी कि टाइगर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट शूट की गई थी। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे हीरोज में से एक आते हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं और जिनका फैन बेस काफी ज्यादा बड़ा है। अब ऐसे में ब्लॉकबस्टर फिल्में लाना उनके लिए आम बात सी हो गई है, जहां हम ये देखते हैं कि सलमान खान हर साल एक ना एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेके ही आते हैं अपने फैंस के लिए, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सलमान खान के फैंस अपने उनके भाईजान के लिए किस तरीके का वेट करते हैं और कितने इंटरेस्टिंग से उनकी सारी एक्टिंग्स को देखते हैं। अब ऐसे में सलमान खान टाइगर 3 ला रहे हैं जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि रशिया में ये हो रही थी इसकी शूटिंग। अब हम देखते हैं कि पूरी टीम सलमान खान के साथ जा पहुंची है टर्की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो जाने वाले हैं इस्तांबुल में। चौंका देने वाली बात तो ये होने वाली है कि इस्तांबुल में कैसे उनका फैन बेस दिख सकता है हमें, और साथ ही साथ उनके कुछ फ्रेंड्स जिनका नाम है लूलिया वो भी दिखाई पड़ सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उनके फ्रेंड्स जो है वो भी हमें दिखाई पड़ने वाले हैं इस्तांबुल। लूलिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें वो दिखाई पड़ रही थी एक शूटिंग पे और उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है #टर्की का भी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो टर्की पे ही है। एक्चुअली उस वीडियो पे उनका चेहरा नहीं दिख रहा होता है और वो उस वीडियो पे एक सीढ़ियां चढ़ती है और फिर बाद में वो दिखाती है अपने फैंस को एक व्यू जो कि दिख रहा होता है होटल के आसपास का, और #टर्की यूज करने के बाद फैंस ने यही तो पता लगा ही लिया कि कैसे अनुमान हो रहा है और कहाँ पे वो जा रही है। खैर ये सब तो रही उनके फैंस की बात, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप हमारे फैन हैं। अगर हाँ तो यस लिख दीजिएगा साथ ही साथ उस वीडियो। कहाँ शूट की जा रही है आखिर टाइगर 3? क्या फितरत, इमरान हाशमी हमें नहीं दिखने वाले हैं इस बार टाइगर 3 में? कैटरीना कैफ किस किस्म की ट्रेनिंग ले रही है टाइगर 3 के लिए? दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। हालांकि हमने फिल्म टाइगर 3 के बारे में पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है जिसके लिए काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज के लिए काफी थैंक यू, बट आपके लिए अब हम कुछ नई खबरें लेकर आए हैं टाइगर 3 से रिलेटेड, तो उन सभी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। टाइगर 3 जिसकी हाल ही में काफी ज्यादा बज है बॉलीवुड में, वो बन ही रही है और इसकी शूटिंग का आगाज हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर 3 की ज्यादातर शूटिंग लोकेशंस फॉरेन की होने वाली है, जिसमें अभी पूरी टीम रशिया गई हुई है इसकी शूटिंग के लिए। साथ ही साथ कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म ये टाइगर की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आए थे 2012 में जब इस फिल्म को बढ़ाया गया था। साथ ही साथ सलमान खान इस फिल्म में निभा रहे हैं अविनाश सिंह राठौड़ का रोल, जो कि एक रॉ के रूप में नजर आते हैं। वो कुछ मिशंस करते हुए हर साल नजर आते हैं, जिनके अपोजिट में रहती हुई इस बार दिखने वाली है हमें कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ रहने वाली है सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में।
इमरान हाशमी के वर्कआउट वीडियोस जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाले थे उसको देखकर सबको तो ऐसा लग ही गया था कि टाइगर 3 के एंटागोनिस्ट तो अब इमरान हाशमी होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके लिए एक बात हम और लेकर आए हैं और वो ये है कि इमरान हाशमी तो किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए ही तैयारी कर रहे थे जिसका नाम है चेहरा, और उस फिल्म में दिखने वाले हैं उनके साथ हमें अमिताभ बच्चन यानी कि बॉलीवुड के बिग बी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की फिल्म आ रही है चेहरा, जिसमें अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं एक लॉयर का रोल और साथ ही साथ हमें दिखने वाले हैं इमरान हाशमी इन द रोल ऑफ बिजनेस टाइकून। हमने पिंक के पहले या पिंक के बाद भी पहली बार ही देखने वाले हैं अमिताभ बच्चन को एक लॉयर के रूप में, और साथ ही में इसमें और भी नए एक्टर्स होने वाले हैं जैसे कि रिया चक्रवर्ती, अनु कपूर और साथ ही साथ क्रिस्टल डिसूजा। ये तीनों ही एक्टर्स एज अ सपोर्टिंग रोल्स इस फिल्म में और भी नजर आने वाले हैं। जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि उनके वर्कआउट वीडियोस के बारे में और साथ ही साथ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू में कि उन्हें तो टाइगर 3 की शूटिंग कर भी नहीं रहे हैं। उसको सुन के सबको काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लगा, और ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तो है ही। आखिर सबको यही लगा था कि वो टाइगर 3 में हमें नज़र आने वाले हैं एंटागोनिस्ट के रूप में। अब बात अगर कैटरीना कैफ और उनकी ट्रेनिंग की करें तो कैटरीना कैफ काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रही हैं फिल्म टाइगर 3 के लिए, क्योंकि इस फिल्म में होने वाले हैं काफ़ी सारे एक्शन सीन्स और एक्शन सीक्वल्स जिसको लेकर उनको काफ़ी तैयारी करनी पड़ रही है। वो अपनी रेगुलर ट्रेनर यास्मीन कराची वाला के साथ साथ साउथ कोरिया के एक नए क्रू के साथ भी ट्रेनिंग कर रही है। दोनों का ही रेजिमेंट और काफ़ी अलग अलग ट्रेनिंग होने के कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग तो चल ही रही है, साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख के मटेरियल सीखना स्टार्ट कर रही है। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीग्राड स्टूडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप देख सकें हॉट एंड स्पाइसी न्यूज अबाउट बॉलीवुड। और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या आप सभी तैयार हैं टाइगर 3 के लिए। अगर हाँ तो यस कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियो और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। किसी भी फिल्म या किताब या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कहानी जानने में लोगों का इंटरेस्ट उभरता हो, उसके लिए उस पिक्चर या किताब का नाम काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर फिल्म का नाम अट्रैक्टिव ना हो या फिर अगर वो नाम ऑडियंस को पसंद ना आए तो फिर उस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाने का इंटरेस्ट भी घटता ही रहता है। इसीलिए किसी भी मूवी के नाम को बड़े ध्यान से चुनना पड़ता है, और ऐसी ही कुछ दुविधा में है टाइगर 3 के मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 के नाम को लेकर अभी भी फिल्म के मेकर्स कंफ्यूजन में हैं और इस पिक्चर के नाम पर अभी भी कोई पक्की खबर नहीं आई है। सबसे पहले फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि टाइगर 3 के नाम को द फाइनल मिशन रखा जाएगा। फाइनल मिशन इसलिए क्योंकि ये पिक्चर टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट होने वाली थी, जिसके बाद टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के और पार्ट्स नहीं बनेंगे। लेकिन ये नाम सुनने में हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है और टाइगर फिल्म सीरीज के एक भी नाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि द फाइनल मिशन टाइगर 3 के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा और इसीलिए नाम दूसरा सोचना पड़ेगा। फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस की राय लेनी चाहिए और उनसे पूछा गया कि फिल्म का नाम क्या होना चाहिए। तब काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताया कि टाइगर 3 का नाम होना चाहिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। यह सुनने में थोड़ा फनी तो लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल सही है। टाइगर फिल्म सीरीज में सबसे पहली फिल्म का नाम था एक था टाइगर, जिसमें हर मुश्किल का मुकाबला करने के बाद भी टाइगर को कुछ नहीं हुआ। टाइगर फिल्म सीरीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम था टाइगर जिंदा है, जहां सलमान खान यानी कि टाइगर मरने की कगार पर खड़े थे लेकिन मौत के मुंह से भी बाहर निकल आए। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि टाइगर हर मुश्किल मिशन से बचकर निकल आएगा, यानी कि टाइगर कभी भी मर नहीं सकता। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन ये नाम सुनने में कुछ खास नहीं लग रहा। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया कि टाइगर 3 का नाम टाइगर अमर है रखा जाएगा। हालांकि फिल्म के नाम का मतलब तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये टाइटल सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। जहां टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा सुनने में काफी घिसा पिटा लग रहा है, इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने सोचा है कि टाइगर अमर है का चटका लिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। आज फिर हाजिर हूं मैं यानी आपकी होस्ट सिमरन ग्रोवर बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ ताजा अपडेट्स के साथ।
आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और बॉलीवुड डीवा कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। सलमान खान और कटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद मेकर्स तैयार है इसका तीसरा पार्ट यानी टाइगर 3 बनाने को। टाइगर 3 के बनने की खबरें जैसे ही ऑन द फ्लोर आई है वैसे ही ऑडियंस बेहद एक्साइटेड हो चुकी है अपने फेवरेट पैर सलमान खान और कटरीना कैफ को एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए। खबर है कि टाइगर 3 की लीड एक्ट्रेस कटरीना कैफ जोरों शोरों से वर्कआउट कर रही है और स्क्वाट्स जंपिंग और कुछ एक्शन मूव्स की ट्रेनिंग भी ले रही है। फिल्म टाइगर 3 को लेकर कटरीना इतनी मेहनत कर रही है ऐसे में अंदाजा है कि फिल्म टाइगर 3 में कटरीना कैफ कुछ एक्शन सीन्स भी करती हुई नजर आ सकती है। कटरीना के फैंस उनको एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली कटरीना कैफ इंडिया से नहीं है और ना ही इंडियन है। कटरीना के पास ब्रिटिश की नागरिकता है और आपको बता दें कि उनका जन्म हांगकांग में हुआ था। दरअसल कटरीना की माँ की एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है और वो कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्थानों से जुड़ी थी और उनसे जुड़े कामों से कई अलग अलग देशों में रही है जिसकी वजह से कटरीना भी कई देशों में रही है। और हाँ, ये ख्याल तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि आखिर सलमान खान और कटरीना कैफ पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे, तो हम हाजिर हैं जवाब के साथ। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि जब वो कटरीना कैफ से पहली बार मिले थे तो वो महज 18 साल की थी। सलमान की फैमिली ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था और कटरीना उनके घर पार्टी के लिए गई थी। सलमान ने बताया कि कटरीना सलमान की बहनों को और सलमान के दोस्तों को जानती थी पर उन्हें नहीं जानती थी। उस पार्टी में ही सलमान खान और कटरीना कैफ की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई और जान पहचान हुई। सलमान खान और कटरीना कैफ टाइगर 3 में फिर साथ में काम करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, टाइगर 3 अगले साल यानी 2022 में रिलीज होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको पता था कि कटरीना और सलमान पहली बार कब मिले थे, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक लल तक आपको बता दें इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत करने से वो आज तक बचते आए हैं। लेकिन अब इमरान हाशमी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपने नेगेटिव किरदार के बारे में कहा है। इसके अलावा खबर थी कि इस फिल्म में उनकी एंट्री पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इमरान हाशमी इस दौरान बॉलीवुड हंगामा से बात कर रहे थे। उन्होंने टाइगर 3 को लेकर कहा कि मैंने इन सब बातों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सब कर रहा हूँ। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि सलमान के सामने एक विलन के तौर पर लोग आपको क्यों देखना चाहते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। इमरान हाशमी का ये बयान काफी चर्चा में है। फैंस का कहना है कि वो काफी बड़ा धमाका करने वाले हैं, इस फिल्म में जो भी होगा वो देखने लायक होगा। इमरान हाशमी अपने करियर में पहली बार इतनी बिग बजट फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। खबर आई थी कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी एक से बढ़कर एक अलग तरह के लुक में नजर आने वाले हैं। इस एक्शन जासूसी फिल्म में इमरान हाशमी का विलन लुक लार्जर देन लाइफ दिखाया जाएगा। इमरान हाशमी पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, वो भी आमने सामने होंगे। और वहीं आपको बता दें इमरान हाशमी का जो किरदार होने वाला है वो उस तरह से लिखा गया है कि स्क्रीन पर जब आएगा तो लंबे समय तक लोगों के दिलों दिमाग में याद रहेगा। वहीं निर्माता आदित्य चोपड़ा ने टाइगर 3 का जो बजट भी रखा है वो हाईफाई है। 350 करोड़ का बजट इस फिल्म का है। ज्यादातर पैसे एक्शन सीन और हाई शूटिंग लोकेशन पर खर्च किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों के बीच तीसरा नंबर रखती है। इस फिल्म ने 340 करोड़ की कमाई की। टाइगर 3 की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वर्ल्ड फिल्म की बात करें तो सलमान इस वक्त किक 2, भाईजान और ब्लैक टाइगर को लेकर चर्चाओं में है। फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग रशिया में कर रहे हैं, काफी बिजी है। सलमान के लुक्स फैंस के सामने आते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। दोस्तों सलमान खान फिलहाल रूस में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं।
सलमान और कैटरीना रूस में करीब करीब एक महीने तक रुक कर शूटिंग पूरी करने का प्लान करेंगे। इस बीच शूटिंग से फुर्सत मिलते ही सलमान वक्त निकाल कर घूमने निकल गए। सलमान ने रूस की सड़कों पर कई फैंस से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचाई, जहां एक फोटो में सलमान एक बच्ची के साथ पोज देते दिख रहे हैं, वहीं एक और फोटो में वो एक आदमी के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान की तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। इन फोटोज में सलमान के चेहरे पर काफी झुर्रियां दिख रही हैं। सलमान की फोटोज देख एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, ये तो बिल्कुल बूढ़े दिखने लगे हैं। वहीं इसके अलावा एक और यूजर ने कहा, सलमान को अब डैडी के रोल शुरू कर देने चाहिए। एक अन्य शख्स कहता है, हाय रब्बा, ये सलमान को क्या हो गया। वहीं कुछ लोग सलमान के साथ फोटो खिंचा रहे एक फैन को श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा, ये तो बिल्कुल श्रद्धा कपूर लग रही हैं। एक और शख्स ने कहा, सलमान से ज्यादा तो उनके फैंस लग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान का लुक सामने आया। इस लुक में सलमान लंबे बालों के साथ भूरे रंग की दाढ़ी में नजर आए थे। उन्होंने टी शर्ट के ऊपर चेक वाली जैकेट और जींस पहनी थी। सलमान का ये लुक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं सलमान खान के बाद फिल्म में कैटरीना कैफ का लुक भी रिवील हुआ। कैटरीना कैफ खुले बालों में बिना मेकअप के नजर आई थी। उन्होंने काले रंग की हुडी और जींस पहन रखी थी। बता दें टाइगर यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग तुर्की में होगी। इसके अलावा 5 अलग अलग देश इंटरनेशनल में भी शूट किए जाएंगे। मुंबई में इस फिल्म की 45 दिनों की शूटिंग कोरोना लॉकडाउन से पहले की गई थी। इसमें ज्यादातर सीन सलमान ने शूट किए थे। इसके बाद इसका अगला शेड्यूल रूस में शूट किया जा रहा है। फिल्म में इमरान हाशमी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट बने हैं, जो भारतीय जासूस सलमान खान से टक्कर लेगा। टाइगर फ्रेंचाइजी एक स्पाई फिल्मों की सीरीज है, जिसका पहला पार्ट एक था टाइगर 2012 में आया था। इसका डायरेक्शन कबीर खान ने किया था। पहले फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा रिलीज किया। इसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया। 2012 में आई एक था टाइगर और साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर ने जहां 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वहीं 5 साल बाद 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने 339 करोड़ का बिजनेस किया था। सलमान खान टाइगर 3 के अलावा जल्दी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ और शाहरुख खान की पठान फिल्म में नजर आने वाले हैं। वेल, आपको कैसा लगा सलमान खान का लुक? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी तीनों ही निगेटिव रोल में दिखने वाले हैं टाइगर 3 में? किसने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है और उम्मीद है कि ये सच हो जाए? कौन करने वाला है टाइगर 3 का निर्देशन? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 के और उसकी कुछ ऐसी बातों में जो आपको शायद नहीं पता होगी। उन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वैसे आपको बता दें कि टाइगर 3 बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म और बहुत ही बॉलीवुड में बज़ वाली फिल्म बन गई है, जिसमें काम करने वाले हैं इमरान हाशमी, सलमान खान और साथ ही साथ कैटरीना कैफ। सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही हमें एज एजेंट दिखाई पड़ते हैं टाइगर की इस फ्रेंचाइजी पर। अब अगर बात हम इमरान हाशमी की करें तो इमरान हाशमी ने यशराज प्रोडक्शंस के साथ इस फिल्म पे काम करने पर बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ? पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, जबकि मैंने इस फिल्म को लेकर आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि इस ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें इमरान हाशमी काम करने वाले हैं, जैसा लोगों ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनके वर्कआउट सेशंस को देख के अज्यूम कर लिया था। जैसे ही टाइगर 3 की कास्ट का पता चला, और नहीं तो उसमें सिर्फ नाम आया था सलमान खान और साथ ही साथ उनके दिखने वाली थी हमें जो हमेशा से दिखती आई है कैटरीना कैफ। और जब इसको लेकर इमरान हाशमी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कभी इस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं और मुझे पता नहीं कि ये रूमर्स क्यों फैल रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये बहुत बड़ा सपना है कि वो सलमान खान के साथ काम करे और उम्मीद है कि ये सपना कभी ना कभी सच हो सकता है। अब आप बात करते हैं टाइगर 3 के बारे में, तो पहले टाइगर की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो एक था टाइगर जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसमें देखते हैं सलमान खान टाइगर कोडवर्ड के एक एजेंट के रूप में, जिनको एक पाकिस्तानी एजेंट जिनका नाम रहता है जोया, जिनका भूमिका निभा रही होती है कैटरीना कैफ, उनसे प्यार हो जाता है। 2017 में आती है एक और फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी की, जिसका नाम है टाइगर जिंदा है, जिसमें हमें दिखाई पड़ती है जोया इराक के आतंकवादी संगठनों से बंधे हुए कुछ लोगों को बचाते हुए। ऐसा कहा जाता है कि 2014 की जो फिल्म है एक था टाइगर, वो एक असली घटना पर प्रेरित होकर फिर बनाई गई थी। अब बात करें इस फिल्म की, तो इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ सकता है, जिसमें दोनों ही एजेंट के रूप में दिखाई पड़ने वाले हैं। और अब फिल्म की स्टोरी क्या और कैसी होगी ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग के बारे में
बात करते हैं तो ऐसा है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ, और इमरान हाशमी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पे हमने देखा था कि टाइगर के फर्स्ट पार्ट को शूट किया गया था अहमद खान ने, तो वहीं हमने देखा था सेकेंड पार्ट को शूट किया था अली अब्बास जफर ने, और अब ऐसा आ रहा है कि इसके थर्ड पार्ट को शूट करने जा रहे हैं मनीष शर्मा। तीनों के ही डायरेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन तीनों की स्टोरीज काफी अच्छी होने वाली है, ऐसा तो हमको लगता ही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा। इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट सीन शूट करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कर रहे हैं सलमान खान कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कम्प्लीट। इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी सारे फैंस आए थे उस एरिया में। सलमान के कई फैन पेजेस ने उनकी और कैटरीना की तस्वीरें भी शेयर की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान अब फाइनली बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइगर 3 के लिए खास तौर पर निर्वाण खान ने टेक्निकल चीजों के अलावा और भी कई चीज सीखी है, जैसे कि सेट आखिर कैसे डिजाइन किया जाता है, किस किस के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इन तमाम बातों पर निर्वाण खास ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म जब मुंबई में शूट किया जा रहा था तो उस दौरान कोविड की वजह से इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब फाइनली इसकी आगे पार्ट की शूटिंग जो है वो रशिया में कंप्लीट हो रही है। मुंबई में एक तरफ कोविड महामारी तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से फिल्म के शूटिंग लोकेशन पर खासा दिक्कतें आई थी, और इतना ही नहीं फिल्म यूनिट को करीब 1 से 9 करोड़ का लॉस भी हो गया था, क्योंकि फिल्म का सेट पूरी तरीके से तबाह हो गया था। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म को जितना भी लॉस हुआ है वो सब कुछ पे बैक हो जाए टाइगर 3 के सक्सेस के बाद। इस फिल्म के लिए शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला है, और इसकी कंफर्मेशन खुद इमरान हाशमी ने दी है। हालांकि उन्होंने ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कहा कि मेरी अपकमिंग फिल्म क्या होने वाली है और मैं कैसा किरदार निभा ता हूँ ये ऑडियंस को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब निश्चित तौर पर इमरान हाशमी पूरी तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे या फिर नहीं? और अगर वो नजर नहीं आती हैं तो फिर कौन दिखेंगे टाइगर 3 में विलेन के रूप में? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। कब रिलीज होने जा रही है टाइगर 3? इमरान हाशमी की बॉडी देखकर फैंस क्यों बोले सलमान भाई पिटने वाले? क्या होने वाली है टाइगर 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की टाइगर 3 काफी जोरों से शूट मोड पर ऑन है। इस फिल्म के लिए सभी सितारे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि काफी जल्दी इस फिल्म के विलन यानी कि इमरान हाशमी उड़ान भरते नजर आएंगे तुर्की जाकर वो इस फिल्म की स्टार। सलमान खान को किसके साथ अपना बॉन्ड शेयर करना था कि उनको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ा? फिल्म टाइगर 3 का निर्देशन कौन कर रहा है? एक्सपीरियंस काफी अच्छा रह रहा है एक के साथ, यानी कि सलमान खान और निर्वाण खान दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं उन सारी पोस्ट में। चाचा भतीजा @NirvanKhan15 ऐसा कैप्शन लिख के सलमान खान ने एक प्यारी सी तस्वीर निर्वाण खान और अपने साथ उनकी पोस्ट की है, जिसमें दोनों ही एक रोड पर चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें जो पिक्चर सलमान खान की लीक हुई थी, जिसमें वो बड़ी दाढ़ी और बड़ी पूंछ में नजर आ रहे हैं, उस फिल्म में भी निर्वाण खान उनके आसपास ही नजर आ रहे थे। खैर, आप टाइगर 3 की स्टोरी लाइन्स की बात करें तो आपको बता दें कि टाइगर 3 को सबसे पहले कबीर खान यानी कि 2012 में एक द टाइगर फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फिल्म को उन्होंने निर्माता किया था। फिर बाद में टाइगर जिंदा है ऐसा 2017 में धर्म सलमान खान की एक और फिल्म आई थी। अब जब टाइगर 3 आने वाली है, जिसमें सलमान खान एज अ एजेंट दिखाई पड़ने वाले हैं और सोया जिनका रोल निभा रही है कैटरीना कैफ, वो ISI एजेंट के रूप में अपने किरदार दोहराते हुए नजर आने वाले हैं दोनों ही लोग टाइगर 3 में। इसकी स्टोरी लाइन भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जैसे कि बाकी फिल्मों की रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार कुछ अलग तो रहने ही वाला है फिल्म। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी अफवाहें फैल रही थी कि इस फिल्म में जो दिखने वाले हैं विलेन के रूप में इमरान हाशमी, जिन्होंने इस अफवाह को लेकर झूठा साबित कर दिया है और कहा कि वो तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए कभी गए भी नहीं थे, पर वो बिल्कुल खुशमिजाज होते अगर उनको इस फिल्म के लिए चुना जाता था। खैर, ये सब तो रही बात की बातें, आपको इसके बारे में जल्दी ही फिर से बताएंगे कि इस फिल्म में विलेन कौन होने वाला है। तब तक
नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। टाइगर फिल्म सीरीज एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर स्पाई फिल्म सीरीज है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ लीड एक्टर्स के रूप में नजर आते हैं और इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। टाइगर फिल्म सीरीज के राइटर कबीर खान और निलेश मिश्रा हैं। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस की गई है और यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा इस फिल्म फ्रेंचाइजी को लॉन्च किया गया था। टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट यानी कि एक था टाइगर 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और इसके बाद फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि एक था टाइगर को एक फिल्म सीरीज के रूप में बनाया जा सकता है जिसका नाम टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी रखा गया। फिर 5 साल बाद 2017 में टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का दूसरा इंस्टॉलमेंट टाइगर जिंदा है रिलीज किया गया और ये फिल्म भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर गई। अब कहा जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2022 में टाइगर 3 रिलीज होने वाली है जो कि इस फिल्म सीरीज का तीसरा और आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं टाइगर 3 पर क्या नई अपडेट्स आई हैं। अभी हाल ही में ये खबर आई है कि अगस्त 2021 के महीने से ही टाइगर 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सलमान खान और कटरीना कैफ इस बार भी टाइगर 3 में जबरदस्त एजेंट का रोल निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहां सलमान हमें इंडिया के रॉ एजेंट के रूप में नजर आएंगे, वहीं कटरीना पाकिस्तानी ISI एजेंट के रूप में ही नजर आएंगी। फिर एक बार टाइगर फिल्म सीरीज का आगाज हो चुका है और जिस तरीके से फैंस को एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है पसंद आई थी, लगता है कि टाइगर 3 इन दोनों फिल्मों से ज्यादा बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाली है। टाइगर 3 से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि हम इसकी शूटिंग लोकेशन के बारे में आपको बताएंगे उस वीडियो में। लेकिन टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए ये खबर थोड़ी दुखदायी भी हो सकती है क्योंकि टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी जो कि एक फिल्म ट्रायलॉजी के रूप में आने वाली थी, अब फिल्म का तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है और तीसरा पार्ट ही टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का आखिरी इंस्टॉलमेंट भी होगा। यानी कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और कटरीना कैफ को एजेंट के रूप में ये आखिरी बार ही हम देख पाएंगे और टाइगर फिल्म की इंस्टॉलमेंट्स नहीं बन। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। जुलाई को सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के कुछ मजेदार बातें। सलमान खान और कटरीना कैफ ने अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 की एक साथ शूटिंग शुरू कर दी है जो इस समय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में इमरान हाशमी खलनायक के रूप में नजर आएंगे, वहीं शाहरुख खान का एक कैमियो भी होगा। जी हां दोस्तों, शूटिंग में किसी भी फोटो या वीडियो को लीक होने से बचाने के लिए फिल्म का डिस्क्रिप्शन गुप्त रखा गया है और सेट के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट मिली है कि फिल्म के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि टाइगर 3 का नया शेड्यूल यशराज फिल्म स्टूडियो में शुरू हो गया है। ये एक बारीकी से प्रोटेक्टेड सेट है और यहाँ से किसी की तस्वीर के लीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। शेड्यूल के साथ साथ अगस्त के मध्य से शुरू होने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव विदेशी शेड्यूल में सलमान और कटरीना को फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन दोनों अभिनेताओं के लिए इंटेंस होगा क्योंकि निर्देशक मनीष शर्मा ने कुछ जॉ ड्रॉपिंग और साथ ही साथ बेहद जोखिम भरे एक्शन दृश्यों की योजना बनाई है जो वास्तव में उनके ओवरऑल फिटनेस लेवल का टेस्ट करेंगे जब वे अपना विदेशी कार्यक्रम शुरू करेंगे। बेशक सलमान और कटरीना इसके लिए तैयार हैं और किसी भी चुनौती का सामना करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। यह एक मजेदार शेड्यूल होगा। सूत्र ने यह भी कहा कि सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर टाइगर 3 में अपनी फिजिक को मेंटेन करने की एक तस्वीर शेयर की और यह क्लियर किया कि वह अब तक स्क्रीन पर दिखाए गए सबसे अच्छी फिजिक का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर कटरीना इस समय कितनी अच्छी दिख रही है इस बारे में शायद ही कोई रेगुलेशन की जरूरत होगी। इसका भी एक कारण है, उन्होंने अपने सबसे फिट होने के लिए काफी मेहनत की है और लोगों को उन्हें स्क्रीन पर सबसे फिट देखने के लिए इंतजार करना होगा जब टाइगर 3 रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ 18 अगस्त को जासूसी थ्रिलर यानी कि टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग के लिए रूस भी जाएंगे जिसे पहले महामारी के कारण पहले रोक दिया गया था। 45 डेज का कठिन कार्यक्रम एक्शन सीन से भरा हुआ है और सलमान खान और कटरीना कैफ ऑस्ट्रिया और तुर्की सहित कम से कम 5 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में शूटिंग करेंगे। महामारी को देखते हुए YRF के मालिक आदित्य चोपड़ा एक जंबो चार्टर के माध्यम से कलाकारों और चालक दल को भेज रहे हैं।
एक सूत्र ने कहा कि अर्शद, सलमान खान, कटरीना कैफ, डायरेक्टर मनीष शर्मा, पूरी कास्ट और क्रू सहित सभी के लिए इस इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए जेट किराए पर ले रहा है और साथ ही साथ जो टीम कुछ शानदार शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने में मदद करेगी। खैर, आप टाइगर 3 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तब तक यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म टाइगर 3 से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में और उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आपको बता दें कि टाइगर फ्रेंचाइजी सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही है, जहाँ पे हमने देखा था पहले पार्ट को इतना क्रॉस बॉर्डर प्रेम दिखाया गया था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही अलग अलग देश को बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उनकी लव स्टोरी काफी आगे तक बढ़ी थी। हमने देखा था कि उसके करीब करीब 4 सीन्स जो है वो बड़ी अच्छी जगहों पर शूट हुए थे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मेडन टावर में शूट हुआ था, तो दूसरी जगह हम देखते हैं कि मॉडर्न टावर में भी इसका शूटिंग किया गया था। ये दोनों ही इतने बड़े पैलेसेस यूरोप के माने जाते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई बजट थे और इसलिए ये फिल्म भी काफी ज्यादा हाई बजट थी और बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी लोगों में। क्रॉस बॉर्डर्स मूवी वैसे भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन अब उसका बजट जब और बढ़ाया जाए तो वो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब ऐसे में जब हमने ये देखा कि अभी हाल ही में सलमान खान कहीं पे गए हुए थे अपनी शूटिंग पे, वहाँ पे यूरोप में कुछ ऐसी भीड़ जमा हो गई थी और शूटिंग लोकेशंस में भीड़ जमा होने के कारण उनके लुक लीक हो गए थे जो कि फैंस को काफी पसंद आए थे। अब हमें ये देखना है कि क्या टर्की में सलमान खान जाते हैं जहाँ पे उनकी टाइगर 1 था टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि फिल्म टर्की में जाके शूट की जाए जहाँ पे 1 था टाइगर, यानी कि टाइगर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट शूट की गई थी। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे हीरोज में से एक आते हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं और जिनका फैन बेस काफी ज्यादा बड़ा है। अब ऐसे में ब्लॉकबस्टर फिल्में लाना उनके लिए आम बात सी हो गई है, जहां हम ये देखते हैं कि सलमान खान हर साल एक ना एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेके ही आते हैं अपने फैंस के लिए, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सलमान खान के फैंस अपने उनके भाईजान के लिए किस तरीके का वेट करते हैं और कितने इंटरेस्टिंग से उनकी सारी एक्टिंग्स को देखते हैं। अब ऐसे में सलमान खान टाइगर 3 ला रहे हैं जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि रशिया में ये हो रही थी इसकी शूटिंग। अब हम देखते हैं कि पूरी टीम सलमान खान के साथ जा पहुंची है टर्की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो जाने वाले हैं इस्तांबुल में। चौंका देने वाली बात तो ये होने वाली है कि इस्तांबुल में कैसे उनका फैन बेस दिख सकता है हमें, और साथ ही साथ उनके कुछ फ्रेंड्स जिनका नाम है लूलिया वो भी दिखाई पड़ सकती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उनके फ्रेंड्स जो हैं वो भी हमें दिखाई पड़ने वाले हैं इस्तांबुल। लूलिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें वो दिखाई पड़ रही थी एक शूटिंग पे और उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है हैशटैग टर्की का भी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो टर्की पे ही है। एक्चुअली उस वीडियो पे उनका चेहरा नहीं दिख रहा होता है और वो उस वीडियो पे एक सीढ़ियां चढ़ती हैं और फिर बाद में वो दिखाती हैं अपने फैंस को एक व्यू जो कि दिख रहा होता है होटल के आसपास का। और हैशटैग टर्की यूज करने के बाद फैंस ने ये तो पता लगा ही लिया कि कैसे अनुमान हो रहा है और कहाँ पे वो जा रही हैं। खैर, ये सब तो रही उनके फैंस की बात, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप हमारे फैन हैं। अगर हाँ तो यस लिख दीजिएगा साथ ही साथ उस वीडियो। कहाँ शूट की जा रही है आखिर टाइगर 3? क्या फितरत, क्या इमरान हाशमी हमें नहीं दिखने वाले हैं इस बार टाइगर 3 में? कैटरीना कैफ किस किस्म की ट्रेनिंग ले रही है टाइगर 3 के लिए? दिस इज दर्शित अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हालांकि हमने फिल्म टाइगर 3 के बारे में पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है जिसके लिए काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज के लिए काफी थैंक यू, बट आपके लिए अब हम कुछ नई खबरें लेकर आए हैं टाइगर 3 से रिलेटेड, तो उन सभी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। टाइगर 3 जिसकी हाल ही में काफी ज्यादा बज है बॉलीवुड में, वो बन ही रही है और इसकी शूटिंग का आगाज हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर 3 की ज्यादातर शूटिंग लोकेशंस फॉरेन की होने वाली है, जिसमें अभी पूरी टीम रशिया गई हुई है इसकी शूटिंग के लिए। साथ ही साथ कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म ये टाइगर की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आए थे 2012 में जब इस फिल्म को बढ़ाया गया था। साथ ही साथ सलमान खान इस फिल्म में निभा रहे हैं अविनाश सिंह राठौड़ का रोल, जो कि एक रॉ के रूप में नजर आते हैं। वो कुछ मिशंस करते हुए हर साल नजर आते हैं, जिनके अपोजिट में रहती हुई इस बार दिखने वाली है हमें कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ रहने वाली है सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में।
इमरान हाशमी के वर्कआउट वीडियोस जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाले थे उसको देखकर सबको तो ऐसा लग ही गया था कि टाइगर 3 के एंटागोनिस्ट तो अब इमरान हाशमी होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए एक बात हम और लेकर आए हैं और वह ये है कि इमरान हाशमी तो किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए ही तैयारी कर रहे थे जिसका नाम है चेहरा, और उस फिल्म में दिखने वाले हैं उनके साथ हमें अमिताभ बच्चन यानी कि बॉलीवुड के बिग बी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की फिल्म आ रही है चेहरा, जिसमें अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं एक लॉयर का रोल और साथ ही साथ हमें दिखने वाले हैं इमरान हाशमी इन द रोल ऑफ बिजनेस टाइकून। हमने पिंक के पहले या पिंक के बाद भी पहली बार ही देखने वाले हैं अमिताभ बच्चन को एक लॉयर के रूप में, और साथ ही में इसमें और भी नए एक्टर्स होने वाले हैं जैसे कि रिया चक्रवर्ती, अनु कपूर और साथ ही साथ क्रिस्टल डिसूजा। ये तीनों ही एक्टर्स एज अ सपोर्टिंग रोल्स इस फिल्म में और भी नजर आने वाले हैं। जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि उनके वर्कआउट वीडियोज के बारे में और साथ ही साथ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू में कि उन्हें तो टाइगर 3 की शूटिंग कर भी नहीं रहे हैं। उसको सुन के सबको काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लगा, और ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तो है ही। आखिर सबको यही लगा था कि वो टाइगर 3 में हमें नज़र आने वाले हैं एंटागोनिस्ट के रूप में। अब बात अगर कैटरीना कैफ और उनकी ट्रेनिंग की करें तो कैटरीना कैफ काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रही हैं फिल्म टाइगर 3 के लिए, क्योंकि इस फिल्म में होने वाले हैं काफ़ी सारे एक्शन सीन्स और एक्शन सीक्वल्स जिसको लेकर उनको काफ़ी तैयारी करनी पड़ रही है। वो अपनी रेगुलर ट्रेनर यास्मीन कराची वाला के साथ साथ साउथ कोरिया के एक नए क्रू के साथ भी ट्रेनिंग कर रही है। दोनों का ही रेजिमेंट और काफ़ी अलग अलग ट्रेनिंग होने के कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग तो चल ही रही है, साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख के मटेरियल आर्ट सीखना स्टार्ट कर रही हैं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीग्राफ स्टूडियोज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप देख सकें हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ अबाउट बॉलीवुड। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि क्या आप सभी तैयार हैं टाइगर 3 के लिए। अगर हाँ तो यस कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। किसी भी फिल्म या किताब या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कहानी जानने में लोगों का इंटरेस्ट उभरता हो, उसके लिए उस पिक्चर या किताब का नाम काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर फिल्म का नाम अट्रैक्टिव ना हो या फिर अगर वो नाम ऑडियंस को पसंद ना आए तो फिर उस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाने का इंटरेस्ट भी घटता ही रहता है। इसीलिए किसी भी मूवी के नाम को बड़े ध्यान से चुनना पड़ता है, और ऐसी ही कुछ दुविधा में है टाइगर 3 के मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 के नाम को लेकर अभी भी फिल्म के मेकर्स कंफ्यूजन में हैं, और इस पिक्चर के नाम पर अभी भी कोई पक्की खबर नहीं आई है। सबसे पहले फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि टाइगर 3 के नाम को द फाइनल मिशन रखा जाएगा। फाइनल मिशन इसलिए क्योंकि ये पिक्चर टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट होने वाली थी, जिसके बाद टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के और पार्ट्स नहीं बनेंगे। लेकिन ये नाम सुनने में हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है और टाइगर फिल्म सीरीज के एक भी नाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि द फाइनल मिशन टाइगर 3 के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा और इसीलिए नाम दूसरा सोचना पड़ेगा। फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस की राय लेनी चाही और उनसे पूछा गया कि फिल्म का नाम क्या होना चाहिए। तब काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताया कि टाइगर 3 का नाम होना चाहिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। ये सुनने में थोड़ा फनी तो लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल सही है। टाइगर फिल्म सीरीज में सबसे पहली फिल्म का नाम था एक था टाइगर, जिसमें हर मुश्किल का मुकाबला करने के बाद भी टाइगर को कुछ नहीं हुआ। टाइगर फिल्म सीरीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम था टाइगर जिंदा है, जहां सलमान खान यानी कि टाइगर मरने की कगार पर खड़े थे लेकिन मौत के मुंह से भी बाहर निकल आए। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि टाइगर हर मुश्किल मिशन से बचकर निकल आएगा, यानी कि टाइगर कभी भी मर नहीं सकता। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन ये नाम सुनने में कुछ खास नहीं लग रहा। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया कि टाइगर 3 का नाम टाइगर अमर है रखा जाएगा। हालांकि फिल्म के नाम का मतलब तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये टाइटल सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। जहां टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा सुनने में काफी घिसा पिटा लग रहा है, इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने सोचा है कि टाइगर अमर है का चक्का लिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। आज फिर हाजिर हूं मैं यानी आपकी होस्ट सिमरन ग्रोवर बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ ताजा अपडेट्स के साथ।
आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और बॉलीवुड डीवा कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। सलमान खान और कटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद मेकर्स तैयार है इसका तीसरा पार्ट यानी टाइगर 3 बनाने को। टाइगर 3 के बनने की खबरें जैसे ही ऑन द फ्लोर आई हैं, वैसे ही ऑडियंस बेहद एक्साइटेड हो चुकी है अपने फेवरेट पेयर सलमान खान और कटरीना कैफ को एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए। खबर है कि टाइगर 3 की लीड एक्ट्रेस कटरीना कैफ जोरों शोरों से वर्कआउट कर रही हैं और स्क्वाट्स, जंपिंग और कुछ एक्शन मूव्स की ट्रेनिंग भी ले रही हैं। फिल्म टाइगर 3 को लेकर कटरीना इतनी मेहनत कर रही हैं, ऐसे में अंदाजा है कि फिल्म टाइगर 3 में कटरीना कैफ कुछ एक्शन सीन्स भी करती हुई नजर आ सकती है। कटरीना के फैंस उनको एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली कटरीना कैफ इंडिया से नहीं है और ना ही इंडियन है। कटरीना के पास ब्रिटिश की नागरिकता है और आपको बता दें कि उनका जन्म हांगकांग में हुआ था। दरअसल कटरीना की माँ की एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है और वो कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्थानों से जुड़ी थी और उनसे जुड़े कामों से कई अलग अलग देशों में रही है, जिसकी वजह से कटरीना भी कई देशों में रही है। और हाँ, ये ख्याल तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि आखिर सलमान खान और कटरीना कैफ पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे, तो हम हाजिर हैं इस जवाब के साथ। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि जब वो कटरीना कैफ से पहली बार मिले थे तो वो महज 18 साल की थी। सलमान की फैमिली ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था और कटरीना उनके घर पार्टी के लिए गई थी। सलमान ने बताया कि कटरीना सलमान की बहनों को और सलमान के दोस्तों को जानती थी पर उन्हें नहीं जानती थी। उस पार्टी में ही सलमान खान और कटरीना कैफ की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई और जान पहचान हुई। सलमान खान और कटरीना कैफ टाइगर 3 में फिर साथ में काम करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, टाइगर 3 अगले साल यानी 2022 में रिलीज होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको पता था कि कटरीना और सलमान पहली बार कब मिले थे, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोस, मैं हूं सोनिका जैन। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान के साथ पहली बार नजर आने वाले हैं इमरान हाशमी और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। आपको बता दें, इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत करने से वो आज तक बचते आए हैं। लेकिन अब इमरान हाशमी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपने नेगेटिव किरदार के बारे में कहा है। इसके अलावा खबर थी कि इस फिल्म में उनकी एंट्री पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इमरान हाशमी इस दौरान बॉलीवुड हंगामा से बात कर रहे थे। उन्होंने टाइगर 3 को लेकर कहा कि मैंने इन सब बातों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सब कर रहा हूँ। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि सलमान के सामने एक विलन के तौर पर लोग आपको क्यों देखना चाहते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। इमरान हाशमी का ये बयान काफी चर्चा में है। फैंस का कहना है कि वो काफी बड़ा धमाका करने वाले हैं, इस फिल्म में जो भी होगा वो देखने लायक होगा। इमरान हाशमी अपने करियर में पहली बार इतनी बिग बजट फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। खबर आई थी कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी एक से बढ़कर एक अलग तरह के लुक में नजर आने वाले हैं। इस एक्शन जासूसी फिल्म में इमरान हाशमी का विलन लुक लार्जर देन लाइफ दिखाया जाएगा। इमरान हाशमी पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, वो भी आमने सामने होंगे। और वहीं आपको बता दें, इमरान हाशमी का जो किरदार होने वाला है वो उस तरह से लिखा गया है कि स्क्रीन पर जब आएगा तो लंबे समय तक लोगों के दिलो दिमाग में याद रहेगा। वहीं निर्माता आदित्य चोपड़ा ने टाइगर 3 का जो बजट भी रखा है वो हाईफाई है। 350 करोड़ का बजट इस फिल्म का है। ज्यादातर पैसे एक्शन सीन्स और हाई शूटिंग लोकेशन पर खर्च किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों के बीच तीसरा नंबर रखती है। इस फिल्म ने 340 करोड़ की कमाई की। टाइगर 3 की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बॉयफ्रेंड की बात करें तो सलमान इस वक्त किट्टू, भाईजान और ब्लैक टाइगर को लेकर चर्चाओं में है। फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग रशिया में कर रहे हैं, काफी बिजी है। सलमान के लुक्स फैंस के सामने आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दोस्तों, सलमान खान फिलहाल रूस में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं।
सलमान और कैटरीना रूस में करीब करीब एक महीने तक रुककर शूटिंग पूरी करने का प्लान करेंगे। इस बीच शूटिंग से फुर्सत मिलते ही सलमान वक्त निकाल कर घूमने निकल गए। सलमान ने रूस की सड़कों पर कई फैंस से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचाई, जहां एक फोटो में सलमान एक बच्ची के साथ पोज देते दिख रहे हैं, वहीं एक और फोटो में वो एक आदमी के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान की तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। इन फोटोज में सलमान के चेहरे पर काफी झुर्रिया दिख रही है। सलमान की फोटोज देख एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, ये तो बिल्कुल बूढ़े दिखने लगे हैं। वहीं इसके अलावा एक और यूजर ने कहा, सलमान को अब डैडी के रोल शुरू कर देने चाहिए। एक अन्य शख्स कहता है, हाय रब्बा, ये सलमान को क्या हो गया। वहीं कुछ लोग सलमान के साथ फोटो खिंचा रहे एक फैन को श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा, ये तो बिल्कुल श्रद्धा कपूर लग रही हैं। एक और शख्स ने कहा, सलमान से ज्यादा तो उनके फैंस लग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान का लुक सामने आया। इस लुक में सलमान लंबे बालों के साथ भूरे रंग की दाढ़ी में नजर आए थे। उन्होंने टी शर्ट के ऊपर चेक वाली जैकेट और जींस पहनी थी। सलमान का ये लुक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं सलमान खान के बाद फिल्म में कैटरीना कैफ का लुक भी रिवील हुआ। कैटरीना कैफ खुले बालों में बिना मेकअप के नजर आई थी। उन्होंने काले रंग की हुडी और जींस पहन रखी थी। बता दें टाइगर यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग तुर्की में होगी। इसके अलावा 5 अलग अलग देश इंटरनेशनल में भी शूट किए जाएंगे। मुंबई में इस फिल्म की 45 दिनों की शूटिंग कोरोना लॉकडाउन से पहले की गई थी। इसमें ज्यादातर सीन सलमान ने शूट किए थे। इसके बाद इसका अगला शेड्यूल रूस में शूट किया जा रहा है। फिल्म में इमरान हाशमी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट बने हैं, जो भारतीय जासूस सलमान खान से टक्कर लेगा। टाइगर फ्रेंचाइजी एक स्पाई फिल्मों की सीरीज है, जिसका पहला पार्ट एक था टाइगर 2012 में आया था। इसका डायरेक्शन कबीर खान ने किया था। पहले फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा रिलीज किया। इसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया। 2012 में आई एक था टाइगर और साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर ने जहां 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वहीं 5 साल बाद 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने 339 करोड़ का बिजनेस किया था। सलमान खान टाइगर 3 के अलावा जल्दी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ और शाहरुख खान की पठान फिल्म में नजर आने वाले हैं। वेल, आपको कैसा लगा सलमान खान का लुक? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी तीनों ही निगेटिव रोल में दिखने वाले हैं टाइगर 3 में? किसने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है और उम्मीद है कि ये सच हो जाए? कौन करने वाला है टाइगर 3 का निर्देशन? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 के और उसकी कुछ ऐसी बातों में जो आपको शायद नहीं पता होगी। उन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वैसे आपको बता दें कि टाइगर 3 बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म और बहुत ही बॉलीवुड में बज वाली फिल्म बन गई है, जिसमें काम करने वाले हैं इमरान हाशमी, सलमान खान और साथ ही साथ कैटरीना कैफ। सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही हमें ऐसे एजेंट दिखाई पड़ते हैं टाइगर की इस फ्रेंचाइजी पर। अब अगर बात हमें इमरान हाशमी की करें तो इमरान हाशमी ने यशराज प्रोडक्शंस के साथ इस फिल्म पर काम करने पर बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ? पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, जबकि मैंने इस फिल्म को लेकर आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें इमरान हाशमी काम करने वाले हैं, जैसा लोगों ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनके वर्कआउट सेशंस को देख के अज्यूम कर लिया था। जैसे ही टाइगर 3 की कास्ट का पता चला, और नहीं तो उसमें सिर्फ नाम आया था सलमान खान और साथ ही साथ उनके दिखने वाली थी हमें जो हमेशा से दिखती आई है कैटरीना कैफ। और जब इसको लेकर इमरान हाशमी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कभी इस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं और मुझे पता नहीं कि ये रूमर्स क्यों फैल रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये बहुत बड़ा सपना है कि वो सलमान खान के साथ काम करे और उम्मीद है कि ये सपना कभी ना कभी सच हो सकता है। अब आप बात करते हैं टाइगर 3 के बारे में, तो पहले टाइगर की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो एक था टाइगर जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसमें देखते हैं सलमान खान टाइगर कोडवर्ड के एक एजेंट के रूप में, जिनको एक पाकिस्तानी एजेंट जिनका नाम रहता है जोया, जिनका भूमिका निभा रही होती है कैटरीना कैफ, उनसे प्यार हो जाता है। 2017 में आती है एक और फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी की, जिसका नाम है टाइगर जिंदा है, जिसमें हमें दिखाई पड़ती है जोया इराक के आतंकवादी संगठनों से बंधे हुए कुछ लोगों को बचाते हुए। ऐसा कहा जाता है कि 2014 की जो फिल्म है एक था टाइगर, वो एक असली घटना पर प्रेरित होकर फिर बनाई गई थी। अब बात करें इस फिल्म की, तो इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ सकता है, जिसमें दोनों ही एजेंट के रूप में दिखाई पड़ने वाले हैं। और अब फिल्म की स्टोरी क्या और कैसी होगी ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग के बारे में
बात करते हैं तो ऐसा है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ, और इमरान हाशमी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पे हमने देखा था कि टाइगर के फर्स्ट पार्ट को शूट किया गया था अहमद खान ने, तो वहीं हमने देखा था सेकेंड पार्ट को शूट किया था अली अब्बास जफर ने, और अब ऐसा आ रहा है कि इसके थर्ड पार्ट को शूट करने जा रहे हैं मनीष शर्मा। तीनों के ही डायरेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन तीनों की स्टोरीज काफी अच्छी होने वाली है, ऐसा तो हमको लगता ही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा। इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट सीन शूट करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कर रहे हैं सलमान खान कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कम्प्लीट। इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी सारे फैंस आए थे उस एरिया में। सलमान के कई फैन पेजेस ने उनकी और कैटरीना की तस्वीरें भी शेयर की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान अब फाइनली बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइगर 3 के लिए खास तौर पर निर्वाण खान ने टेक्निकल चीजों के अलावा और भी कई चीज सीखी है, जैसे कि सेट आखिर कैसे डिजाइन किया जाता है, किस किस के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इन तमाम बातों पर निर्वाण खास ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म जब मुंबई में शूट किया जा रहा था तो उस दौरान कोविड की वजह से इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब फाइनली इसकी आगे पार्ट की शूटिंग जो है वो रशिया में कंप्लीट हो रही है। मुंबई में एक तरफ कोविड महामारी तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से फिल्म के शूटिंग लोकेशंस पर खासा दिक्कतें आई थी, और इतना ही नहीं फिल्म यूनिट को करीब 1 से 9 करोड़ का लॉस भी हो गया था, क्योंकि फिल्म का सेट पूरी तरीके से तबाह हो गया था। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म को जितना भी लॉस हुआ है वो सब कुछ पे बैक हो जाए टाइगर 3 के सक्सेस के बाद। इस फिल्म के लिए शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला है, और इसकी कंफर्मेशन खुद इमरान हाशमी ने दी है। हालांकि उन्होंने ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कहा कि मेरी अपकमिंग फिल्म क्या होने वाली है और मैं कैसा किरदार निभा हूँ ये ऑडियंस को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब निश्चित तौर पर इमरान हाशमी पूरी तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे या फिर नहीं? और अगर वो नजर नहीं आती हैं तो फिर कौन दिखेंगे टाइगर 3 में विलेन के रूप में, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। कब रिलीज होने जा रही है टाइगर 3? इमरान हाशमी की बॉडी देखकर फैंस क्यों बोले सलमान भाई पिटने वाले? क्या होने वाली है टाइगर 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की टाइगर 3 काफी जोरों से शूट मोड पर ऑन है। इस फिल्म के लिए सभी सितारे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि काफी जल्दी इस फिल्म के विलन यानी कि इमरान हाशमी उड़ान भरते नजर आएंगे तुर्की जाकर। सलमान खान को किसके साथ अपना बॉन्ड शेयर करना था कि उनको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ा? फिल्म टाइगर 3 का निर्देशन कौन कर रहा है? माना जा रहा है कि इस फिल्म में एज ए सपोर्टिंग डायरेक्टर कौन नजर आने वाला है? तो जी हाँ दोस्तों, निर्वाण खान इस फिल्म में एज ए सपोर्टिंग डायरेक्टर नजर आने वाले हैं। निर्वाण खान बॉन्ड डिटेक्टर यानी कि सलमान खान के भतीजे हैं और वो सोहेल खान के बेटे भी हैं। वो वहाँ पर प्राइम का बोन अनुभव लेने जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा शांत है। इंस्टाग्राम के उस पोस्ट पर ऐसा देख के लग रहा है कि दोनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रह रहा है एक के साथ, यानी कि सलमान खान और निर्वाण खान दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं उन सारे पोस्ट में। चाचा भतीजा @NirvanKhan15 ऐसा कैप्शन लिख के सलमान खान ने एक प्यारी सी तस्वीर निर्वाण खान और अपने साथ उनकी पोस्ट की है, जिसमें दोनों ही एक रोड पर चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जो पिक्चर सलमान खान की लीक हुई थी जिसमें वो बड़ी दाढ़ी और बड़ी पूंछ में नजर आ रहे हैं, उस फिल्म में भी निर्वाण खान उनके आसपास ही नजर आ रहे थे। खैर, आप टाइगर 3 की स्टोरी लाइन्स की बात करें तो आपको बता दें कि टाइगर 3 को सबसे पहले कबीर खान यानी कि 2012 में एक द टाइगर फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फिल्म को उन्होंने निर्माता किया था। फिर बाद में टाइगर जिंदा है ऐसा 2017 में धर्म सलमान खान की एक और फिल्म आई थी। अब जब टाइगर 3 आने वाली है जिसमें सलमान खान एज अ एजेंट दिखाई पड़ने वाले हैं और सोया जिनका रोल निभा रही है कैटरीना कैफ, वो ISI एजेंट के रूप में अपने किरदार दोहराते हुए नजर आने वाले हैं दोनों ही लोग टाइगर 3 में। इसकी स्टोरी लाइन भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जैसे कि बाकी फिल्मों की रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार कुछ अलग तो रहने ही वाला है फिल्म।
बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। जुलाई को सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के कुछ मजेदार बातें। सलमान खान और कैटरीना कैफ ने अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 की एक साथ शूटिंग शुरू कर दी है, जो इस समय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में इमरान हाशमी खलनायक के रूप में नजर आएंगे, वहीं शाहरुख खान का एक कैमियो भी होगा। जी हां दोस्तों, शूटिंग में किसी भी फोटो या वीडियो को लीक होने से बचाने के लिए फिल्म का डिस्क्रिप्शन गुप्त रखा गया है और सेट के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट मिली है कि फिल्म के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि टाइगर 3 का नया शेड्यूल यश राज फिल्म स्टूडियो में शुरू हो गया है। ये एक बारीकी से प्रोटेक्टेड सेट है और यहाँ से किसी की तस्वीर के लीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस शेड्यूल के साथ साथ अगस्त के मध्य से शुरू होने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव विदेशी शेड्यूल में सलमान और कैटरीना को फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन दोनों अभिनेताओं के लिए इंटेंस होगा क्योंकि निर्देशक मनीष शर्मा ने कुछ जॉ ड्रॉपिंग और साथ ही साथ बेहद जोखिम भरे एक्शन दृश्यों की योजना बनाई है, जो वास्तव में उनके ओवरऑल फिटनेस लेवल का टेस्ट करेंगे जब वे अपना विदेशी कार्यक्रम शुरू करेंगे। बेशक सलमान और कैटरीना इसके लिए तैयार हैं और किसी भी चुनौती का सामना करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। यह एक मजेदार शेड्यूल होगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर टाइगर 3 में अपनी फिजिक को मेंटेन करने की एक तस्वीर शेयर की और यह क्लियर किया कि वह अब तक स्क्रीन पर दिखाए गए सबसे अच्छी फिजिक का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर कैटरीना इस समय कितनी अच्छी दिख रही है, इस बारे में शायद ही कोई रेगुलेशन की जरूरत होगी। इसका भी एक कारण है, उन्होंने अपने सबसे फिट होने के लिए काफी मेहनत की है और लोगों को उन्हें स्क्रीन पर सबसे फिट देखने के लिए इंतजार करना होगा जब टाइगर 3 रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान और कैटरीना कैफ 18 अगस्त को जासूसी थ्रिलर यानी कि टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग के लिए रूस भी जाएंगे, जिसे पहले महामारी के कारण पहले रोक दिया गया था। 45 डेज का कठिन कार्यक्रम एक्शन सीन से भरा हुआ है और सलमान खान और कैटरीना कैफ ऑस्ट्रिया और तुर्की सहित कम से कम 5 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में शूटिंग करेंगे। महामारी को देखते हुए YRF के मालिक आदित्य चोपड़ा एक जंबो चार्टर के माध्यम से कलाकारों और चालक दल को भेज रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि यश राज, सलमान खान, कैटरीना कैफ, डायरेक्टर मनीष शर्मा, पूरी कास्ट और क्रू सहित सभी के लिए इस इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए जेट किराए पर ले रहा है और साथ ही साथ जो टीम कुछ शानदार शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने में मदद करेगी। खैर, आप टाइगर 3 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तब तक YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म टाइगर 3 से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में और उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आपको बता दें कि टाइगर फ्रेंचाइजी सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही है, जहाँ पे हमने देखा था पहले पार्ट को इतना क्रॉस बॉर्डर प्रेम दिखाया गया था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही अलग अलग देश को बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उनकी लव स्टोरी काफी आगे तक बढ़ी थी। हमने देखा था कि उसके करीब करीब 4 सीन्स जो है वो बड़ी अच्छी जगहों पर शूट हुए थे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मेड इन टावर में शूट हुआ था, तो दूसरी जगह हम देखते हैं कि मॉडर्न टावर में भी इसका शूटिंग किया गया था। ये दोनों ही इतने बड़े पैलेसेस यूरोप के माने जाते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई बजट थे और इसलिए ये फिल्म भी काफी ज्यादा हाई बजट थी और बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी लोगों में। क्रॉस बॉर्डर्स मूवी वैसे भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन अब उसका बजट जब और बढ़ाया जाए तो वो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब ऐसे में जब हमने ये देखा कि अभी हाल ही में सलमान खान कहीं पे गए हुए थे अपनी शूटिंग पे, वहाँ पे यूरोप में कुछ ऐसी भीड़ जमा हो गई थी और शूटिंग लोकेशंस में भीड़ जमा होने के कारण उनके लुक लीक हो गए थे जो कि फैंस को काफी पसंद आए थे। अब हमें ये देखना है कि क्या टर्की में सलमान खान जाते हैं जहाँ पे उनकी टाइगर 1 था टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि फिल्म टर्की में जाके शूट की जाए जहाँ पे 1 था टाइगर यानी कि टाइगर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट शूट की गई थी। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे हीरोज में से एक आते हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं और जिनका फैन बेस काफी ज्यादा बड़ा है। अब ऐसे में ब्लॉकबस्टर फिल्में लाना उनके लिए आम बात सी हो गई है, जहां हम ये देखते हैं कि सलमान खान हर साल एक ना एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेके ही आते हैं अपने फैंस के लिए, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सलमान खान के फैंस अपने उनके भाईजान के लिए किस तरीके का वेट करते हैं और कितने इंटरेस्टिंग से उनकी सारी एक्टिंग्स को देखते हैं।
अब ऐसे में सलमान खान टाइगर 3 ला रहे हैं जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि रशिया में ये हो रही थी इसकी शूटिंग। अब हम देखते हैं कि पूरी टीम सलमान खान के साथ जा पहुंची है टर्की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो जाने वाले हैं इस्तांबुल में। चौंका देने वाली बात तो ये होने वाली है कि इस्तांबुल में कैसे उनका फैन बेस दिख सकता है हमें, और साथ ही साथ उनके कुछ फ्रेंड्स जिनका नाम है लूलिया वो भी दिखाई पड़ सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उनके फ्रेंड्स जो है वो भी हमें दिखाई पड़ने वाले हैं इस्तांबुल। लूलिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें वो दिखाई पड़ रही थी एक शूटिंग पे, और उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है हैशटैग टर्की का भी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो टर्की पे ही है। एक्चुअली उस वीडियो पे उनका चेहरा नहीं दिख रहा होता है और वो उस वीडियो पे एक सीढ़ियां चढ़ती है और फिर बाद में वो दिखाती है अपने फैंस को एक व्यू जो कि दिख रहा होता है होटल के आसपास का। और हैशटैग टर्की यूज करने के बाद फैंस ने यही तो पता लगा ही लिया कि कैसे अनुमान हो रहा है और कहां पे वो जा रही हैं। खैर ये सब तो रही उनके फैंस की बात, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप हमारे फैन हैं। अगर हाँ तो यस लिख दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो कहाँ शूट की जा रही है आखिर टाइगर 3? क्या फितरत, इमरान हाशमी हमें नहीं दिखने वाले हैं इस बार टाइगर 3 में? कैटरीना कैफ किस किस्म की ट्रेनिंग ले रही है टाइगर 3 के लिए? This is Darshita Arora, back to your favorite YouTube channel, Bollygrad Studios. हालांकि हमने फिल्म टाइगर 3 के बारे में पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है जिसके लिए काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस के लिए काफी थैंक यू, बट आपके लिए अब हम कुछ नई खबरें लेकर आए हैं टाइगर 3 से रिलेटेड, तो उन सभी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। टाइगर 3 जिसकी हाल ही में काफी ज्यादा बज है बॉलीवुड में, वो बन ही रही है और इसकी शूटिंग का आगाज हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर 3 की ज्यादातर शूटिंग लोकेशंस फॉरेन की होने वाली है, जिसमें अभी पूरी टीम रशिया गई हुई है इसकी शूटिंग के लिए। साथ ही साथ कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म ये टाइगर की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आए थे 2012 में जब इस फिल्म को बढ़ाया गया था। साथ ही साथ सलमान खान इस फिल्म में निभा रहे हैं अविनाश सिंह राठौड़ का रोल, जो कि एक रॉ के रूप में नजर आते हैं। वो कुछ मिशंस करते हुए हर साल नजर आते हैं, जिनके अपोजिट में रहती हुई इस बार दिखने वाली है हमें कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ रहने वाली है सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में। इमरान हाशमी के वर्कआउट वीडियोस जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाले थे, उसको देखकर सबको तो ऐसा लग ही गया था कि टाइगर 3 के एंटागोनिस्ट तो अब इमरान हाशमी होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए एक बात हम और लेकर आए हैं, और वो ये है कि इमरान हाशमी तो किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए ही तैयारी कर रहे थे जिसका नाम है चेहरा, और उस फिल्म में दिखने वाले हैं उनके साथ हमें अमिताभ बच्चन, यानी कि बॉलीवुड के बिग बी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की फिल्म आ रही है चेहरा, जिसमें अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं एक लॉयर का रोल, और साथ ही साथ हमें दिखने वाले हैं इमरान हाशमी इन द रोल ऑफ बिजनेस टाइकून। हमने पिंक के पहले या पिंक के बाद भी पहली बार ही देखने वाले हैं अमिताभ बच्चन को एक लॉयर के रूप में, और साथ ही में इसमें और भी नए एक्टर्स होने वाले हैं जैसे कि रिया चक्रवर्ती, अनु कपूर और साथ ही साथ क्रिस्टल डिसूजा। ये तीनों ही एक्टर्स एज अ सपोर्टिंग रोल्स इस फिल्म में और भी नजर आने वाले हैं। जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि उनके वर्कआउट वीडियोज के बारे में